आज फूलपुर में सूरज ने जिस तरह अपनी आंखें खोली वो नजारा आम नहीं था। अपने परिवार और गांव के लिए लड़ते लड़ते सालों पुराने रक्षक परिवार के एक और सदस्य ने अपनी जान गंवा दी थी। चेतन माही की तरह चांदनी को गोद में उठाए घर की ओर चल रहा था और बाकी सारे लोग भी चेतन के पीछे पीछे चले जा रहे थे। चलते चलते अचानक वीर सिंह के कदम रुक से गए। वो बस चेतन को देख रहा था। तब एकाएक काशी जी ने रुककर उससे पूछा, वीर सिंह क्या हुआ, तुम ठहर क्यों गए? ये कहते हुए उनकी आवाज में वही लड़खड़ाहट थी जो चांदनी के इस तरह गुजर जाने से जन्मी थी। वीर सिंह ने अपने बहते हुए आंसुओं को अपने बाजुओं से पोंछा और एक बार फिर चलने लगा। चलते हुए काशी जी दोबारा बोले, क्या हुआ वीर, बोलो। तब काशी जी की इस बात के जवाब में वीर सिंह ने कहा, कुछ नहीं पिताजी, एक पुराना लम्हा याद आ गया। आपको याद है, हमने ठीक ऐसा ही एक पल पहले भी देखा है। ये सुन काशी जी ने भी गर्दन झुकाते हुए कहा, सही कहा वीर सिंह, लेकिन तब माही के लौट आने की एक उम्मीद थी, लेकिन आज कोई उम्मीद नहीं है। कहते हुए काशी जी की आवाज वेदना से लड़खड़ाने लगी। तब वीर सिंह ने काशी जी को संभालते हुए कहा, पिताजी आपको हिम्मत रखनी होगी, वरना हम सब हिम्मत हार जाएंगे। हम जानते हैं चांदनी आपके लिए आपकी बेटी की जैसी थी, जब उसकी चेतन से शादी हुई तो हमारा परिवार बन गई। मेरे लिए भी माही और चांदनी में कभी कोई अंतर नहीं रहा, लेकिन शायद यही हम सबकी नियति में लिखा है, कोई एक मिलता है तो दूसरा बिछड़ जाता है। वीर सिंह की इस बात पर काशी जी पूरी तरह शांत रहे। दूसरी तरफ धीरे धीरे चांदनी की मौत की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी और लोग जान चुके थे कि उसने किस तरह अपनी जान गंवाई थी। बस इसलिए लोग पहले से ही उनके घर के बाहर जमा होने शुरू हो चुके थे। जब चेतन और बाकी सभी चांदनी को लेकर पहुंचे तो लोगों ने सारा इंतजाम करना खुद ब खुद शुरू कर दिया था। चांदनी को अपनी अंतिम यात्रा पर जाने से पहले अच्छी तरह से तैयार किया जाने वाला था। क्योंकि चांदनी चेतन की वास्तविक पत्नी थी, इसलिए उसे ठीक से एक सुहागन की तरह तैयार किया गया। उसके बाद सभी लोग चांदनी को अंतिम विदाई देने निकल पड़े। चांदनी को मुखाग्नि देने से पहले चेतन काफी ज्यादा वेदना से भर गया था। उसे वो सारे पल याद आने लगे थे जिन पलों में उसकी और चांदनी की अच्छी यादें थी। वो चिता पर लेटी चांदनी के सामने हाथ में मुखाग्नि पकड़े मन ही मन बोला, रियली सॉरी चांदनी, मैं शायद एक अच्छा पति बनने के काबिल कभी था ही नहीं, लेकिन शुक्रिया फिर भी मेरा साथ देने के लिए, मेरे हर दुख में साथ खड़े रहने के लिए। ये सोचकर चेतन एक बार फिर रोने लगा और वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। तब काशी जी, वीर सिंह और माही सभी लोग आगे आ गए और चेतन को उठाते हुए बोले, बस चेतन अब चांदनी को विदा करने का समय आ गया है। कहते हुए उन तीनों ने भी चेतन के हाथ को अपने हाथ से छूकर चांदनी को मुखाग्नि प्रदान की। सारी क्रिया हो जाने के बाद सभी लोग घर लौट आए। चांदनी जा चुकी थी तो स्वाभाविक था कि जिसका दुख कई दिनों तक इस घर में बना रहने वाला था, इसी दुख के साथ 3 दिन बीत गए। एक शाम काशी जी अपने कमरे में उदास बैठे हुए थे। उसी समय वीर सिंह वहां से गुजरा तो काशी जी को इस तरह बैठा देख एक पल के लिए रुककर उन्हें देखने लगा और कुछ पल तक बिना कुछ कहे देख लेने के बाद बोला, क्या हुआ पिताजी, क्या सोच रहे हैं आप? वीर सिंह के इस तरह आने से काशी जी थोड़ा हड़बड़ा गए और तुरंत खुद को संभालते हुए बोले, अरे आओ वीर सिंह, वहां क्यों खड़े हो? ये सुनकर वीर सिंह उनके करीब आकर बैठ गया और नजरें झुकाते हुए बोला, मुझे पता है कि आप अब भी चांदनी के बारे में ही सोच रहे थे, ठीक कहा ना मैंने? तब काशी जी धीमे से बोले, 15 साल की थी वो जब मेरे दोस्त और चांदनी के पिता का देहांत हुआ था। मां तो बचपन में ही गुजर गई थी और शायद उन्हें पता था कि वो भी नहीं बचेंगे, इसलिए उसके पिता ने मुझे उसका अभिभावक बना दिया था। हालांकि उसके पिता उसकी जरूरतों की हर व्यवस्था करके गए थे, लेकिन उसे कभी एक पिता की कमी महसूस ना हो इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंप गए थे, और मैं भी कितना मूर्ख था, उसे अपनी जिम्मेदारियों से बांध दिया। हालांकि उसने भी कभी मेरी बात नहीं टाली, लेकिन उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी थी। कहते हुए काशी जी की आंखें एक बार फिर भर आई। तब वो एक बार फिर अपने आंसुओं को पोंछकर बोले, जो हुआ मैं उसे बदल नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो जाए, और तुम जानते हो कि वो इच्छा क्या है।
ये सुनते ही वीर सिंह के माथे पर चिंता के निशान उभर आए। वो तुरंत बोला, पर आप तो जानते हैं कि वो दोनों इस बात को पहले भी नकार चुके हैं। ये सुन काशी जी ने कहा, तभी तो मैं तुमसे मदद मांग रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी ओर से तुम बात करो। तब वीर सिंह ने उत्तर देते हुए कहा, ठीक है पिताजी, एक कोशिश करके देख लेते हैं। इतना कहकर वीर सिंह वहां से चला गया। रात के समय जब सभी लोग साथ बैठे थे और किसी बात पर विचार कर रहे थे, तब काशी जी ने धीरे से वीर सिंह को चेतन से बात करने के लिए इशारा किया। तब वीर सिंह हिचकिचाहट के साथ बोला, चेतन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। ये सुनकर चेतन उसे देखते हुए बोला, हाँ वीर, कहो। तब वीर सिंह फिर बोला, दरअसल बात वो ये है कि हम वो। वीर सिंह को इस तरह लड़खड़ाता देख चेतन ने कहा, ठीक से बोलो वीर, आखिर बात क्या है? तब वीर सिंह ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं अब ठीक से बताता हूँ। असल में पिताजी और मैं चाहते हैं कि तुम और माही शादी कर लो, क्योंकि ये चांदनी की अंतिम इच्छा थी। ये सुनते ही चेतन तेज आवाज में बोला, वीर सिंह, मैंने कहा था कि अब ये संभव नहीं है। तभी माही भी तुरंत बोली, हाँ भैया, अब ये संभव नहीं है, क्योंकि अभी चांदनी को गए दिन ही कितने हुए हैं। साथ ही साथ जरा ये भी सोचिए, लोग क्या कहेंगे। तब काशी जी तुरंत माही के पास आकर बोले, माही, हम लोग ये कब से सोचने लगे कि लोग क्या कहेंगे? अब तक सोचा है, जो आज हमें इस बारे में सोचना पड़ रहा है। तब माही भी थोड़ा दुखी आवाज में बोली, लेकिन पिताजी। लेकिन काशी जी ने भी उसी वक्त कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं माही, तुम्हें और चेतन को इस बारे में अब सोचना पड़ेगा। और तुम अच्छे से जानते हो कि हमारी चांदनी की भी यही आखिरी इच्छा थी कि तुम दोनों वापस एक हो जाओ। क्या अब तुम उसकी इस आखिरी इच्छा का भी मान नहीं रखोगे? काशी जी की इस बात को सुन चेतन और माही दोनों शांत पड़ गए। तब कुछ सोचते हुए चेतन ने कहा, मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। ये सुन माही ने भी ठीक यही बात कही, और मुझे भी। दोनों के जवाब सुनकर काशी जी ने वहां से अपने कमरे की ओर रुक करते हुए कहा, ठीक है, तुम दोनों अपना वक्त ले सकते हो, लेकिन बस चांदनी के बारे में एक बार जरूर सोचना। वो रात चेतन और माही का जवाब पाने के इंतजार में गुजर गई। अगली सुबह फिर वीर सिंह ने चेतन से कहा, तो चेतन, तुमने क्या फैसला किया? तब चेतन सभी से नजरें मिलाए बिना ही बोला, देखिए, बात ऐसी है कि मैं पूरी रात इसी बारे में सोचता रहा, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अगर मैं मान भी जाता हूं तो भी माही की सहमति उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर रहेगी। हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करता, लेकिन ये बात भी सच है कि मेरी शादी चांदनी से हुई थी, और उसके प्रति ईमानदार रहना मेरी जिम्मेदारी है। ये सुनकर वीर सिंह तुरंत बोला, चेतन, इन सब बातों से कोई निष्कर्ष समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों ये शादी करोगे या नहीं। तब चेतन ने साफ साफ लफ्जों में कहा, मैं शादी करूंगा, लेकिन सिर्फ अपनी पहली पत्नी की आखिरी इच्छा मानकर। पर उसमें भी मेरी एक शर्त है, चांदनी के जाने के बाद जितनी भी रस्में बाकी है उन सबको ठीक ढंग से निभाने के बाद ही कुछ होगा। ये सुन काशी जी तुरंत बोले, हमें मंजूर है। कहते हुए काशी जी ने माही की ओर देखा, तो माही ने बिना नजरें मिलाए अपनी बात रखी, ठीक है, अगर चेतन राजी है तो मैं भी राजी हूं, सब ठीक हो जाए, मैं तो बस इतना ही चाहती हूं। इतना सुनना ही था कि काशी जी, वीर सिंह और गोमती तीनों के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। तभी काशी जी भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोले, सब आपकी कृपा है काल भैरव, चांदनी ने जाते जाते भी सब कुछ ठीक करने की कोशिश की थी, और आज उसकी ये कोशिश सफल हो गई। काशी जी इस बात की खुशी मना रहे थे, तभी चेतन बोला, 3 दिन गुजर गए पिताजी, लेकिन उस शेखरन का क्या हुआ कुछ पता नहीं चला, और खूनी वधु का भी कोई अता पता नहीं है। ये सुनते ही वीर सिंह ने चेतन के कंधे पर हाथ रखकर उत्तर दिया, चिंता मत करो, मैंने पता किया है दोस्त। कहते हुए वीर सिंह ने पूरी खबर बताई। चांदनी की क्रिया के अगले दिन ही मुझे इस बारे में याद आ गया था, फिर मुझे गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि उसी शाम शेखरन के दोस्त ब्रिजमोहन का भी अंतिम संस्कार हुआ था। उसके बाद से ही शेखरन पंचायत के फैसले पर ब्रिजमोहन के घर में नजरबंद है, क्योंकि उसने हमारे साथ काम करने को जो कहा था। ये सुन चेतन तुरंत बोला, और खूनी वधु और चित्रा? तब वीर सिंह बोला, नहीं, उन दोनों का फिलहाल कुछ पता नहीं है, वो कहां है, क्योंकि अब तक कोई हलचल भी नहीं हुई है।
इतना सुनते ही सभी थोड़ा चिंतित हो गए और देखते ही देखते दिन बीतने लगे। ना खूनी वधु का कोई हमला हुआ और ना ही ऐसा कुछ जो गांव की चिंता बढ़ा दे। चांदनी के जाने के बाद की सारी क्रियाएं हो चुकी थी और वो दिन करीब आ गया जब माही और चेतन की शादी होने वाली थी। काफी दिनों के बाद एक बार फिर गांव में खुशियों का माहौल बनने लगा था। शादी आने वाले दो दिनों में होने वाली थी। एक शाम चेतन छत पर अकेला बैठ रात के समय आसमान में देख रहा था, तब माही भी वहां चली आई और चेतन के पास बैठकर आसमान को देखने लगी और फिर धीरे से बोली, क्या सोच रहे हो चेतन? तब चेतन ने धीरे से जवाब दिया, यही कि ये सब कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। तब माही भी बोली, सही कहा, परसों ही हमारी शादी है। ये सुनकर चेतन माही की ओर देखकर बोला, तुम कैसा फील कर रही हो माही? कहकर चेतन दोबारा आसमान की ओर देखने लगा। तब माही बोली, सच कहूं तो थोड़ा खुश भी हूं, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है। खुश इसलिए कि किस्मत का खेल देखो, हमें अगर मिलना ही था तो इतना सब हुआ और उसके बाद भी हम मिल रहे हैं, और एक खुशी इसलिए भी कि तुमने चांदनी के प्रति पूरी जिम्मेदारी निभाई। इतना कहकर माही चुप हो गई। तभी चेतन ने पूछा, और डर वो क्यों है? तब माही दोबारा जवाब देते हुए बोली, पिछली बार जब हमारी शादी का दिन आया था एक अनहोनी घटना घटी थी, कहीं इस बार भी? बस यही सोचकर डर लग रहा है। तुम बताओ, तुम क्या सोच रहे हो? ये सवाल सुन चेतन ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, मैं अब भी सही और गलत की दुविधा में उलझा हुआ हूं माही। क्या हम ये ठीक कर भी रहे हैं या नहीं? और तुमने कहा कि मैंने एक पति के रूप में सारी जिम्मेदारी निभाई है, तो ये बात गलत है। ये सुनते ही माही ने आंखें बड़ी करके चेतन को देखकर कहा, मतलब कि तुम? कहते हुए वो रुकी ही थी कि चेतन ने उसकी बात पूरी की, तुम सही समझी माही, मैंने कभी तुम्हारी जगह चांदनी को दी ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने पूरी जिम्मेदारी एक पत्नी की तरह निभाई। सब यही समझते रहे कि प्रॉब्लम तुम्हारे लौटने के बाद हुई, लेकिन सच है कि हमारे बीच हमेशा से ही दूरियां थी। ये सुनकर माही कुछ पल चेतन को देखती रही और फिर उसका मन शांत करते हुए बोली, चेतन अब इन सब बातों को जाने दो। मेरे ख्याल में चांदनी जानती थी कि वो क्या कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। और हाँ, ये मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कह रही हूँ, अंतिम समय में ही सही, लेकिन एक दूसरे के लिए हमारा नजरिया काफी बदल गया था। ये सुन चेतन धीरे से बोला, शायद तुम ठीक कहती हो, अब जो हो हमें इसी राह पर आगे बढ़ना है। ये सुनकर माही ने धीरे से चेतन के कंधे पर सिर रख लिया। कुछ पल वो दोनों इसी तरह बैठे रहे और थोड़ी देर बाद वहां से चले गए। उनके जाते ही छत पर लगा छोटा सा बल्ब अचानक ऑन ऑफ होने लगा और फिर तेज आवाज के साथ फूट गया। साथ ही आसमान में बेमौसम के बादल मंडराने लगे। एकाएक जोर की बिजली चमकी और एक काला साया छत पर उभर आया। वो खूनी वधु थी। सीढ़ियों की ओर देखकर गमले में लगे फूलों को छूते हुए बोली, शादी? और वो भी फूलपुर में? असंभव। कहते हुए वो जोर से हंसी और जैसे उसने अपना हाथ फूल से हटाया तो वो पूरा पौधा मुरझा गया। क्या खूनी वधु ये शादी होने देगी या फिर कोई अनहोनी होगी? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधु सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। खूनी वधु के इरादे साफ थे कि वो नहीं चाहती थी कि चेतन और माही की शादी हो। छत पर भटकते हुए वो बुदबुदाते हुए बोली, क्यों आज ही इन सब का खेल खत्म कर दिया जाए? उससे धोखा करने वाला मेरा दुश्मन इससे भी हाल में खुश नहीं रह सकता। कहते हुए खूनी वधु जैसे ही सीढ़ियों तक पहुंची तो उसे एक जोरदार झटका लगा और वो दूर हट गई। वो दूसरा प्रयास करने के लिए आगे बढ़कर बोली, आखिर ये कैसे हो सकता है? मुझे कोई नहीं रोक सकता, फिर ये कवच कैसे? ये सोचकर एक बार फिर खूनी वधु ने उस कवच के पार जाने की कोशिश की, लेकिन वो दोबारा उस कवच से टकराकर दूर जा गिरी। इस बार कवच का प्रहार पहले से भी ज्यादा था। वो दूर गिरकर फिर उठते हुए जोर से चिल्लाई,
ये किस तरह का माया जाल है जो मेरी आत्मिक शक्ति से भी ज्यादा बलशाली है। कहते हुए वो उठ खड़ी हुई और सीढ़ियों के पास बने उस दिव्य कवच की ओर देखकर चिल्लाई, मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी, चाहे जो हो जाए, इस घर में खुशियां मैं कभी आने नहीं दूंगी। कहते हुए वो अचानक ही वहां से गायब हो गई। खूनी वधु के जाते ही मौसम भी पूरी तरह नॉर्मल हो गया। असल में जिस कवच को खूनी वधु भेजने की अथक कोशिश कर रही थी, ये कवच चेतन को प्राप्त नए मंत्रों का परिणाम था, लेकिन खूनी वधु ये बात नहीं जानती थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही माही और चेतन की शादी की तैयारियां जोर पकड़ने लगी। पिछली बार की तरह शादी मंदिर में ना होकर घर में होने वाली थी। घर पूरी तरह से सजाया जा चुका था, पूरे बरामदे में टेंट लग चुका था। साथ ही काशी जी और वीर सिंह दोनों तरह तरह की तैयारियों में परेशान होते हुए घूम रहे थे। जैसे ही मंडप घर के बरामदे में लगने लगा, तब वीर सिंह काशी जी से बोला, पिताजी क्या घर पर ही चेतन और माही का ब्याह कराना उचित होगा? मेरा मतलब, अगर खूनी वधु, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तब काशी जी मंडप पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद बोले, बिल्कुल वीर सिंह, मैं तुम्हारी बात बड़े अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि खूनी वधु हम पर हमला करेगी, क्योंकि हादसे वाले दिन जब चेतन ने खूनी वधु को सबक सिखाया था, तभी से उसका कुछ अता पता नहीं है। शायद वो बुरी तरह डर चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आकर हम पर दोबारा खतरा बनने की कोशिश करेगी। इतना कहते हुए काशी जी आगे बढ़ गए और टेंट वाले से बचे कुचे काम करवाने लगे। लेकिन वीर सिंह परेशान था। वो काशी जी को इस तरह बेफिक्र देख मन ही मन बोला, मुझे तो लग रहा है कि पिताजी खूनी वधु को लेकर कुछ ज्यादा ही बेफिक्र है, लेकिन नहीं, मुझे ही थोड़ा होशियार रहना होगा। कहते हुए वीर सिंह वहां से चला गया। कुछ देर बाद चेतन और वीर सिंह दोनों बाजार में टहल रहे थे। चेतन ने अपनी जरूरत का कुछ सामान खरीदा और वो दोनों घर लौटने लगे। तभी रास्ते पर चलते हुए चेतन वीर सिंह से बोला, वीर सिंह, अब जब हम यहां तक आ ही गए हैं, तो क्या हम उस शेखरन से एक बार मिलते हुए चले, क्योंकि शादी के बाद हमें जल्द से जल्द उस खूनी वधु का भी खेल खत्म करना है। जैसे ही वीर सिंह ने शेखरन का नाम सुना, तो वो चेतन पर भड़कते हुए बोला, चेतन, कल तुम्हारी शादी है और तुम हो कि उस मनहूस हत्यारे से मिलने की बात कर रहे हो। अगर मैं जानता भी तो तुम्हें नहीं मिलने देता उस दुष्ट से, चुपचाप घर चलो। कहते हुए वीर सिंह नाराज होकर थोड़ा आगे निकल गया। चेतन वीर सिंह के इस तरह के जेस्चर को देखकर थोड़ा मुस्कुराते हुए उसके पीछे भागा और उसके गले में हाथ डालते हुए बोला, अच्छा सॉरी यार, हम घर ही चल रहे हैं, लेकिन तुम ये बताओ तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तब वीर सिंह ने एक पल चेतन की ओर देखकर कहा, चेतन, मैं चाहता था कि तुम्हारी शादी घर की जगह मंदिर में हो, क्योंकि मुझे खूनी वधु का डर है, ऐसा ना हो कि वो हमें नुकसान पहुंचाने आए। ये सुनते ही चेतन बोला, वीर सिंह, खूनी वधु जरूर आएगी। ये कहते हुए चेतन एक पल को रोका और फिर दोबारा चलते हुए बोला, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो कुछ नहीं कर सकेगी, उसके लिए भी मैंने कुछ सोच रखा है, अब तुम बेफिक्र होकर घर चलो। कहते हुए चेतन चलने लगा। वीर सिंह भी चेतन की बात सुन बेफिक्र हो गया। वो शाम हंसते गाते और शादी की खुशियां बांटते हुए बीत गई और अगला सूरज शादी वाला दिन ले आया। शाम का मुहूर्त था, जहां एक तरफ चेतन को वीर सिंह तैयार कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ माही, गोमती और गांव की कुछ सहेलियों के साथ तैयार हो रही थी। लाल रंग का लहंगा पहने बैठी माही खुद को आईने में देखते हुए बिल्कुल शांत बैठी थी। तभी माही की एक पुरानी सहेली मुस्कुराते हुए बोली, या माही, इतनी उठा पटक के बाद फाइनली आज तेरी शादी हो रही है और तू आज भी उदास बैठी है। ये सुन माही आईने के प्रतिबिंब से हल्का सा मुस्कुराकर बोली, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूं। कहते हुए वो दोनों बातें करने लगे। लेकिन किसी और काम में लगी गोमती माही को देखकर भांप गई थी कि जरूर कुछ ना कुछ बात तो है। वो तुरंत माही के पास आई और उसके मांग का टीका सीधा करते हुए बोली, दीदी आखिर बात क्या है, मुझे आप साधारण नहीं लग रही, कोई बात है क्या? तब माही ड्रेसिंग टेबल के सामने से उठ खड़ी हुई और टहलते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में बोली, कुछ नहीं भाभी, असल में ये जो कुछ भी हो रहा है सब मुझे मेरी यादें ताजा करवा रहा है, ये मंडप, ये शादी का जोड़ा, सब कुछ पहले की तरह है। कहते हुए उसने हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके फिर कहा, हे भगवान, बस किसी तरह की अनहोनी होने से बचा लेना,
माही को इस तरह घबराता देख गोमती जी ने उसे शांत करते हुए कहा, दीदी आप बस ईश्वर पर विश्वास रखिए, अगर यहां तक सब ठीक हुआ है तो आगे भी सब ठीक होगा। जहां एक तरफ माही और गोमती बातें कर रहे थे, वहीं बाहर जमा लोग मंडप के करीब पहुंच चुके थे। चेतन भी मंडप में पहुंच चुका था और पुजारी जी ने भी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था। उधर घबराई हुई माही ने गोमती से कहा, आप नहीं जानती भाभी, पिछली बार मैं मंडप तक भी नहीं पहुंच पाई थी। माही का यह कहना हुआ ही था कि बाहर से उसके लिए भी बुलावा आ गया। ये सुनते ही गोमती मुस्कुराते हुए बोली, ये लो अब तो ईश्वर ने भी तुम्हारी शंका दूर कर दी, क्या कहती हो, चले या अब भी कोई शक है दीदी? गोमती की बात सुन माही मुस्कुराते हुए हल्के कदमों से चलने लगी। जैसी माही मंडप की ओर आई तो उसे देख चेतन की आंखें फटी की फटी रह गई। वो जैसे माही की सुंदरता में डूब सा गया था। माही भी अब मंडप में बैठ गई और मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि प्रबल होने लगी। काशी जी चेतन के पास तो वीर सिंह और गोमती माही के पास जाकर बैठ गए। बस कुछ पल और ही बाकी थे, उसके बाद चेतन और माही पति पत्नी हो जाते। एकाएक पुजारी जी बोले, वरवधू फेरे के लिए खड़े हो जाइए। फेरे शुरू होने ही वाले थे कि तभी अचानक से ही मौसम बदल गया। सारी लाइट्स और वहां लगी बत्तियां एक साथ जलने बुझने लगी और एक एक करके वहां लगे सजावटी बल्ब फूटने भी लगे। अचानक बदले इस माहौल से चारों तरफ हलचल शुरू हो गई। वीर सिंह तुरंत उठ खड़ा हुआ और भीड़ को शांत करने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक पूरे माहौल में धीरे धीरे रात रानी की खुशबू फैलने लगी। इस खुशबू से पूरा गांव भली भांति परिचित था। जैसे ही वहां मौजूद लोगों ने महसूस किया, तभी भीड़ में से कोई जोर से चिल्लाया, भाइयों अपनी अपनी जान बचाओ, ये संकेत तो खूनी वधू के आने का है, भागो यहां से। भीड़ में खड़े वीर सिंह ने जैसे ये सुनते हुए घबराकर चेतन को देखा, तब वीर सिंह को देख चेतन ने गर्दन हिलाकर इशारा किया। इशारा पाते ही वीर सिंह जोर से चिल्लाया, शांत हो जाइए, किसी को भी कुछ नहीं होगा। इधर मंडप में खड़ी माही घबराते हुए बोली, चेतन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्या होगा। कहते हुए उसने चेतन के हाथ को कसकर थाम लिया। तभी अचानक एक हवा का झोंका मंडप की ओर आया, जिससे हवन कुंड की अग्नि तेजी से बुझ गई, जिसे देख माही की चीख निकल गई। वहां मौजूद हर शख्स डरा हुआ था, वो सभी यहां वहां देखते हुए मंडप की ओर देख रहे थे। एकाएक माही और चेतन के बंधन के वाले कपड़े में आग लग गई। माही डर के कारण चीख चीख कर रोने लगी। तब चेतन अपने कंधे से वो जलता हुआ कपड़ा हटाते हुए जोर से चिल्लाया, खूनी वधु बंद करो ये आंख में चौली का खेल और सामने आओ। ये कहते हुए चेतन उस पूरी भीड़ के आगे जाकर खड़ा हो गया। वहीं चेतन के ठीक पीछे उसका परिवार खड़ा था। तब खूनी वधु की डरावनी हंसी सुनाई पड़ी और एकाएक वो सबके सामने प्रकट हो गई और गांव के आम लोगों से इस तरह देखकर डर गए। तब खूनी वधु जोर से बोली, आज मैं तेरी इस नई नवेली दुल्हन को ले जाने आई हूं, पर उसके बाद तू मरेगा, यही से शुरू होगा मुझे धोखा देने का परिणाम। ये सुनकर चेतन मुस्कुराते हुए बोला, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा? ये सुनते ही खूनी वधु ने अपनी शक्तियों से आसपास पड़े सामान को चेतन पर फेंकना शुरू कर दिया। तभी चेतन अपने मंत्रों से उसके हर वार को काटने लगा। तब खूनी वधु जोर से चिल्लाई, आज तुम मुझे नहीं रोक सकता, तेरे उस कवच ने मुझे रोक लिया था, वरना तेरा अंत तो मैं कल ही कर देती। ये कहते हुए खूनी वधु ने मेहमानों में से एक लड़के को हवा में उठा लिया। ये देख चेतन जोर से चिल्लाया, पिताजी बचाइए उस लड़के को। ये सुनते ही काशी जी ने भी अपने मंत्रों का प्रयोग किया, लेकिन तभी खूनी वधु तेजी से चेतन के पास चली आई और चेतन उसे देख नहीं पाया। अचानक पास आकर उसने चेतन को जोरदार धक्का दिया और माही को पकड़कर उनसे दूर कर दिया। माही जोर से चिल्लाई, चेतन बचाओ मुझे। वहीं चेतन भी माही को खतरे में देख जोर से चिल्लाया, घबराओ मत माही, मैं तुम्हें बचा लूंगा, बस शांत रहो। इतना कहते हुए चेतन खूनी वधू से बोला, स्वप्न लेखा तुम्हारा गुस्सा मुझसे है, इसलिए उसे छोड़ दो और भले ही मुझे अपने साथ ले चलो। कहते हुए चेतन की आवाज लड़खड़ा सी गई। तब स्वप्नलेखा हंसते हुए बोली, क्यों अगर मैं तुम दोनों को एक साथ मार दूं तो? कहते हुए उसकी शैतानी हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। चेतन घुटने टेक कर उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला,
नहीं खूनी वधु, उसे नहीं, तुम चाहो तो मुझे मार दो। ये सुनते ही वीर सिंह जोर से चिल्लाया, चेतन तुम ये क्या कह रहे हो, तुम रक्षक हो, ऐसे हार नहीं मान सकते। तब चेतन उसकी ओर देखकर बोला, चुप रहो तुम वीर सिंह, मेरे लिए माही को बचाना ज्यादा जरूरी है। ये कहते हुए चेतन ने माही की ओर अपने हाथों की उंगलियां हिलाते हुए कहा, माही मुझे माफ कर देना। इतना कहकर वो धीरे से खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, अब अब। ये सुनते ही खूनी वधू कुछ समझ ही नहीं पाई। तभी माही ने अपने आप को जोर से जमीन की ओर धकेल दिया। असल में चेतन ने माही को उंगलियों के सहारे इशारा किया था, जिसके कारण वो बच गई। उसी समय चेतन ने प्रभावी मंत्र का प्रयोग खूनी वधू पर किया और वो दूर जाकर सड़क पर गिर गई। साथ ही माही भी उसकी गिरफ्त से छूट गई। इसके बाद सभी लोग सड़क की ओर चले आए। तब चेतन ने उस पर एक बार फिर प्रहार किया। वो बुरी तरह से कमजोर हो चुकी थी। खूनी वधू जोर से चिल्लाते हुए बोली, आज एक बार फिर मेरी हार हुई है, लेकिन याद रखना कल फिर इस गांव पर मेरा ही कहर होगा। हर रोज लाशें मिलेंगी यहाँ, मैं इस पूरे गांव को शमशान बना दूंगी। मुझे मिला श्राप सालों से, ये गांव भुगतता आया है और भुगतता रहेगा, और तू कुछ नहीं कर पाएगा। खूनी वधू की इस बात को सुन चेतन बोला, स्वप्न लेखा अब बस बहुत हुआ। जब मैंने तुम्हारे बारे में जाना तो मुझे लगा तुम्हें मुक्त किया जा सकता है, लेकिन तुमने हमारा साथ देने की जगह अपना रास्ता चुना। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी दुष्ट आत्मा को अंत करने का तरीका जानने वाला हूँ। आज तो मैंने बस सबके सामने तुम्हें हरा कर इन लोगों का भय दूर किया है, जल्द ही तुम्हारा अंत भी हो जाएगा। जैसे ही खूनी वधू ने चेतन की ये बात सुनी तो वो जोर से हंसते हुए वहां से गायब हो गई और एक तेज आवाज सुनाई पड़ी, और वो दिन कभी नहीं आएगा, और वो दिन कभी नहीं आएगा। इसके बाद सभी लोग दोबारा मंडप में चले आए और सारी लाइट्स एक बार फिर ऑन हो गई। काशी जी पुजारी जी से बोले, अब सब कुछ ठीक है पुजारी जी, आप फिर से विवाह करवाना शुरू कर सकते हैं। ये सुनते ही पुजारी जी ने कहा, मान्यवर समय बीत गया है, मुहूर्त निकल चुका है और नक्षत्रों की दिशा विपरीत हो गई है। अब यदि स्थिति में विवाह हुआ तो अपशगुन हो जाएगा। जैसे माही ने और बाकी सबने पुजारी जी की बात सुनी, सभी लोग चिंतित हो उठे। तब माही मायूसी भरे शब्दों में बोली, मुझे बस इसी अनहोनी का डर सता रहा था। क्या दूसरी बार रुकी माही और चेतन की यह शादी हो सकेगी, और क्या चेतन खूनी वधू की समस्या हल कर सकेगा? जाने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। माही की बात पर वीर सिंह तुरंत रिएक्ट करते हुए बोला, माही तुम चिंता मत करो, ये कोई अनहोनी नहीं है, तुम शांत रहो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। जहां एक और वीर सिंह माही को समझा रहे थे, तभी दूसरी तरफ काशी जी पुजारी जी से बोले, पुजारी जी आखिर समस्या क्या है, अगर अभी विवाह होता है तो ऐसी क्या आफत आन पड़ेगी? वहां मौजूद पूरी भीड़ चल रहे इस विवाद को देख रही थी। उधर पुजारी जी ने काशी जी को एक तरफ ले जाकर अपने मन की शंका बताई। वो गंभीर होकर बोले, देखिए काशीनाथ जी, यदि आप तंत्र में मानते हैं तो स्वाभाविक है कि आप ज्योतिष में भी मानते होंगे। नक्षत्रों की दिशाएं मानवीय जीवन पर असर डालती है, और आज के समय के अनुसार ये विवाह अगर होगा तो वर और वधु दोनों में से किसी एक पर मृत्यु का संकट बना रहेगा, बाकी आपकी मर्जी। ये सुन काशी जी की चिंता बढ़ गई, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब आखिर क्या किया जाए। तभी वीर सिंह और चेतन काशी जी के पास आ गए, और उसी समय वीर सिंह बोला, क्या बात हुई पिताजी, सब ठीक तो है ना? इस प्रश्न का जवाब काशी जी थोड़ा हिचकिचाहट के साथ देते हुए वही बातें चेतन और वीर सिंह के सामने रख देते हैं जो कि पुजारी जी ने कही थी। उस बात को सुन वीर सिंह भी चिंतित हो उठा और बोला, ये बड़ी गंभीर समस्या है, आखिर अब करें भी क्या? कुछ पल के लिए वहां शांति छा गई, लेकिन तभी चेतन बोला, नहीं अब हम ये शादी नहीं टालेंगे, अगर हमने ऐसा किया तो माही का डर सच हो जाएगा। और वैसे भी आप थोड़ा लॉजिकल सोचिए, हम लोग जिस कुल से हैं वहां हम कब किसी आने वाली परेशानियों से डरते रहे हैं,
कहते हुए चेतन काशी जी के पास गया और बोला, पापा आप तो दद्दा जी के विद्यार्थी रहे हैं ना, उन्होंने तो आपको कभी डरना नहीं सिखाया, और वैसे भी जब मैं नहीं डर रहा तो आप लोग क्यों भयभीत हो रहे हैं। ये सुनकर काशी जी और वीर सिंह बिल्कुल शांत हो गए। कुछ और पल रुक कर काशी जी बोले, लेकिन बेटे अभी हम चांदनी के सदमे से उभर भी नहीं पाए हैं, और इन परिस्थितियों में ये रिस्क हम कैसे उठा सकते हैं। इस बात का चेतन ने तुरंत जवाब दिया, अगर शादी ना हुई तब भी चांदनी की इच्छा अधूरी रह जाएगी, और अगर हम अगले मुहूर्त के लिए रुके तो माही को क्या जवाब देंगे, वैसे भी उसे लग रहा है ये सब उसकी वजह से हो रहा है। जैसे उसने ये सुना तो वो तुरंत वहां आ गए और धीरे से बोले, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या। तब चेतन तुरंत भीड़ को तितर बितर करते हुए बोला, नहीं नहीं सब ठीक है, शादी अभी होगी। कहते हुए चेतन ने पुजारी जी से भी कहलवा दिया। हालांकि काशी जी और वीर सिंह चिंतित थे, लेकिन वो भी बाद में चेतन की बात मान गए। एक बार फिर संगीत बज उठा और शादी शुरू हो गई। सुबह होते होते बिना किसी समस्या के शादी हो चुकी थी। चेतन और माही अंततः पति पत्नी हो चुके थे, और शादी के एक दिन बाद से ही सारी चीजें सामान्य होने लगी। शादी के बाद चेतन के सामने काफी सारी समस्या पहले से ही थी, जिन्हें सुलझाना भी सभी के जिम्मे था। एक दिन सुबह सुबह सभी लोग साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे, तब चेतन सभी के सामने बोला, पापा शादी की बात थी, लो जी हो गई, लेकिन अब मुझे लगता है कि एक एक कर सभी समस्याओं का हल ढूंढना शुरू कर देना चाहिए, और हमारी सभी समस्या सिर्फ और सिर्फ खूनी वधू से ही जुड़ी हुई है। तब काशी जी तुरंत बोले, तो बताओ फिलहाल क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। तब चेतन तुरंत ही बोला, अरे हाँ, इन सब बातों के बीच में आपको बहुत ही मुख्य वस्तु के बारे में बताना ही भूल गया। ये सुनते ही वहां बैठे सभी लोग चेतन को हैरानी से देखने लगे। तब चेतन बोला, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पारस जी ने मुझे किसी अकाल देव महात्मा से मिलवाया था। उन्होंने बताया है कि खूनी वधु को खत्म करने का तरीका हमारे लोगों के इतिहास में है। उन्होंने मुझे हमारी परदादी लावण्या जी के बारे में भी जानने के लिए कहा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस बात का पता अब हम कैसे लगा सकेंगे। तब वीर सिंह तुरंत बोला, सिंपल है, तुम कालदूत की मदद लो, उससे कह दो कि तुम्हें पास में भेज दे। इस बात के जवाब में चेतन ने कहा, ऐसा नहीं है वीर सिंह, कालदूत भी मुझे तभी पास्ट में भेज सकता है जब उसके पास इस काम की स्वतंत्रता हो या उसे आदेश प्राप्त हुआ हो। फिलहाल उसके पास मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई आदेश होगा, वरना वो खुद मुझसे मिलने चला आता, इसका तो बस एक ही मतलब है। तभी माही तुरंत बोली, इसका तो यही मतलब है कि जो करना है हमें ही करना है। नाश्ते के बाद चेतन वीर सिंह से बोला, वीर हमें आज ही उस शेखरन से मिलना चाहिए, अगर उसके पास कोई तरीका है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर वीर सिंह बोला, चेतन तुम उस पर खामखा ही भरोसा कर रहे हो, मैं जानता हूं वो सिर्फ धोखा ही देगा। तब चेतन उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, अगर ऐसा हुआ तो हम उसे भी देख लेंगे, फिलहाल तुम्हें साथ चलना पड़ेगा। इसके बाद चेतन और वीर सिंह गांव की पंचायत से अनुमति लेकर शेखरन से मिलने पहुंच गए। जैसे ही वो दोनों घर में दाखिल हुए तो देखा शेखरन खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। वो बिना चेतन और वीर सिंह की ओर देखे ही बोला, चलो अच्छा है तुम मुझसे मिलने चले आए, मुझे तो लग रहा था कि तुम नहीं आने वाले। चेतन और वीर सिंह ने इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। तब शेखरन दोबारा बोला, सुना है चेतन तुम्हारी और माही की शादी हो गई, चलो अच्छा है, कम से कम उसे अपना प्यार तो मिल गया, जिसके कारण वो किसी की जान लेने को भी तैयार हो गई थी। ये सुनते ही वीर सिंह उस पर भड़कते हुए बोला, तुम अपनी बकवास बंद करो, हम यहां तुमसे गिले शिकवे मिटाने नहीं आए हैं, भूलो मत तुमने कुछ वादा किया था और आज तुम उसी वादे के कारण जिंदा हो, तो अब वक्त है अपना वादा निभाने का। तब शेखरन मुस्कुराते हुए बोला, ओ हाँ वो वादा, सही कहा, शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए, तो चलो शुरू करते हैं, आओ बैठो। कहते हुए शेखरन ने वहां पड़ी कुर्सियों की तरफ इशारा किया। उनके बैठते ही शेखरन बोला, किसी भी आत्मा को नष्ट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन तंत्रों की किताब में इसके भी अलग अलग तरीके हैं, हालांकि मुझे उनमें से किसी तरीके के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये सुनते ही वीर सिंह उठ खड़ा हुआ और बोला, चलो चेतन ये सिर्फ हमारा समय बर्बाद कर रहा है। तब शेखरन वीर सिंह को घूरते हुए बोला, लेकिन
लेकिन मैं वो तरीका सीख सकता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ किताबों की जरूरत होगी। कहते हुए उसने एक पेपर पर उन किताबों के नाम लिख दिए। जब चेतन ने वो लिस्ट देखी तो उसे एक भी नाम समझ नहीं आया। एकाएक वीर सिंह उस लिस्ट को देखकर बोला, ये किताबें हमें कहाँ मिलेगी? तब शेखरन ने तुरंत ही कहा, जहां तुम्हें हर तरह का ज्ञान मिलता है, तुम्हारे घर के किताबों वाले कमरे से। क्योंकि जितना मैंने जाना है, तुम्हारे परदादा के पास इस तरह की किताबों का भंडार है। कहीं ना कहीं से हम तरीका निकाल ही लेंगे। ये सुनकर चेतन उठ खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, मैं किताबें भिजवा दूंगा और रात को मिलने आऊंगा। अगर तुम्हारा तरीका काम नहीं करता है तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। इतना कहकर चेतन और वीर सिंह वहां से निकल गए। लेकिन वीर सिंह को अब भी उस पर भरोसा नहीं था। रास्ते पर चलते हुए चेतन वीर सिंह से बोला, देखो दोस्त, मैं जानता हूं कि तुम्हें शेखरन पर भरोसा नहीं है, लेकिन किसी भी इंसान को सुधरने का एक मौका मिलना जरूरी है। आई होप कि तुम समझ गए होंगे कि आखिर क्यों मैं उस पर भरोसा कर रहा हूं। इतना कहकर चेतन ने दोबारा वीर सिंह से कहा, वीर सिंह, तुम घर पहुंचकर माही के साथ मिलकर इन किताबों को ढूंढो और जैसे ही किताबें मिले शेखरन तक पहुंचा देना। मैं कालदूत से मिलना चाहता हूं, काफी वक्त हो गया उससे मिले, और क्या पता वो हमारी इस मामले में कुछ मदद करते। ये सुनकर वीर सिंह घर की ओर, तो वही चेतन गांव के तालाब की ओर चला गया। चेतन ने तालाब के पास पहुंचकर जब दो तीन बार आवाज लगाई तो उसे दूर से आवाज सुनाई पड़ी, बंधु यहाँ आओ, मैं इस तरफ हूँ। जैसे चेतन ने देखा तो पाया कालदूत तालाब किनारे बैठा था। चेतन जैसे उसके पास पहुंचा तो कालदूत बोला, बड़े मतलबी मित्र हो बंधु। ये सुनते ही चेतन ने सिर पकड़ लिया और उसके पास बैठते हुए बोला, माफी माफी, माफ कर दो मित्र, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि हम तुमसे मिल ही नहीं पाए। तब कालदूत मुस्कुराकर बोला, तो इसका मतलब तुम समझ गए कि मैं किस बारे में कह रहा हूं। तब चेतन तुरंत बोला, बिल्कुल, इसका मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि मैं तुम्हें अपने विवाह में नहीं बुला सका, लेकिन ये भी पता है हो ना हो आप वही होंगे। तब कालदूत बोला, क्यों ना होता, वैसे बड़ा अच्छा लड़े तुम खूनी वधू से। खैर तुम वो सब छोड़ो, अभी क्यों मिलने बुलाया है? ये सुनते ही चेतन गंभीर होकर बोला, कालदूत, मैं तुमसे बस यही सलाह चाहता हूँ कि हमने खूनी वधू के अंत के लिए शेखरन की मदद ली है, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? तब कालदूत ने एक छोटा पत्थर हाथ में उठाते हुए चेतन को उसे दिखाकर कहा, देखो बंधु, ये पत्थर तुम्हारे जमा किए लोग हैं और पानी में उठने वाली लहरें खूनी वधू के अंत की प्रक्रिया है। जितने पत्थर पानी पर पड़ेंगे लहरें भी उतनी ज्यादा ही उठेगी। चेतन को कालदूत की बात कुछ खास समझ नहीं आई। वो तुरंत ही मजाकिया अंदाज में बोला, मान्यवर, हम आपके जितने ज्ञानी नहीं है ना, थोड़ा ठीक से समझाइए। तब कालदूत भी मुस्कुराते हुए बोला, मतलब ये है कि सवाल सिर्फ शेखरन का नहीं, उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने अधिक लोग इस क्रिया में शामिल होंगे, खूनी वधू के लिए तुम्हें रोकना उतना आसान होगा, और खतरा बढ़ भी सकता है। खतरा मतलब जान का खतरा। खूनी वधू कभी नहीं चाहेगी कि उसका अंत हो, क्योंकि उसे मुक्ति की चाह है, मृत्यु की नहीं। तो वो इसी तरह लोगों की हत्या सालों से करती आई है और करती रहेगी, खुद का अंत नहीं होने देगी। तब चेतन पूरी बात ध्यान से सुनकर बोला, तो इसका मतलब ये काम मुझे अकेले को करना चाहिए। तब कालदूत दोबारा बोला, मैंने तुम्हें सावधान किया है, बस किसी को भी अकेले मत छोड़ना, बाकी एक दूसरे की मदद ले सकते हो। ये सुनकर चेतन तुरंत बोला, कालदूत, क्या एक और बार पास्ट में जाना पॉसिबल हो सकेगा? मुझे अपनी परदादी के बारे में जानना है। कालदूत ने तुरंत ही जवाब देते हुए कहा, नहीं चेतन, कालद्वार खोलना अब मेरे वश में नहीं है, इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुम घर से ही शुरुआत कर सकते हो, क्या पता कुछ जानने को मिले। कालदूत ने ज्यादा नया कुछ नहीं बताया, पर फिर भी चेतन कालदूत से मिलकर ये मान रहा था कि उसकी काफी मदद हुई है। चेतन वहां से जाते हुए बोला, कालदूत, अब मुझे चलना चाहिए, घर पहुंचकर मुझे शेखरन से मिलने भी जाना है। ये कहते हुए चेतन वहां से निकल गया। तभी कालदूत उसे पीछे से आवाज लगाकर बोला, ध्यान रहे, किसी को अकेला मत छोड़ना, क्योंकि खूनी वधू क्रोधित है और वो किसी पर भी हमला कर सकती है।
चेतन ने पीछे मुड़कर हाँ में सिर हिलाया और वहां से निकल गया। जैसे ही चेतन घर पहुंचा तो वीर सिंह पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। दोनों वहां से सीधा शेखरन से मिलने के लिए निकल गए। बाइक पर चेतन के पीछे बैठा वीर सिंह प्रश्नात्मक अंदाज में बोला, तो फिर पता चल गया जो जानने गए थे काल दूध से? तब चेतन ने जवाब दिया, हाँ कुछ बातें पता तो चली है, लेकिन कहते हुए चेतन अचानक रुक गया। तभी वीर सिंह बोला, लेकिन क्या? इस बात का चेतन ने कोई जवाब नहीं दिया। वीर सिंह कुछ कहता उससे पहले ही चेतन थोड़ा रुक कर बोला, वो सब बातें हम बाद में करेंगे, जरा सामने देखो वीर सिंह, वो धुआं कहां से उठ रहा है? वीर सिंह को भी समझ नहीं आया, उसने जवाब में कहा, यहां से कहना मुश्किल है, गाड़ी तेज चलाओ, चलकर ही देखना पड़ेगा। जैसे ही वो दोनों थोड़ा आगे पहुंचे, देखा ये धुआं ब्रिजमोहन के उसी घर से निकल रहा था जहां शेखरन को रखा गया था। दोनों तुरंत ही उस घर के सामने जा पहुंचे। तभी उन्होंने देखा बाहर पहरा देने वाला वो आदमी बेहोश पड़ा था और घर का दरवाजा खुला हुआ था। ये देखते ही दोनों हैरान हो गए। तभी वीर सिंह अपने दांतों को पीसते हुए बोला, जरूर ये काम उस शेखरन का ही होगा। ये सुनकर चेतन बिना कुछ कहे ही घर के अंदर दाखिल हुआ और यहां वहां देखने लगा। पूरे घर में धुआं ही धुआं था, जैसे कोई कागज जलाया गया हो। अंधेरे में चलता चेतन शेखरन को आवाज लगाते हुए बोला, शेखरन, शेखरन क्या तुम यहां हो? पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तभी वीर सिंह भी घर में आते हुए बोला, क्या हुआ, नहीं है ना वो यहाँ, मैं जानता था। जैसे वो दोनों किसी तरह कमरे में पहुंचे तो देखा वीर सिंह जो किताबें उसे देकर गया था वो सारी किताबें ही जल रही थी, साथ ही कुछ और पेपर्स भी थे जो पूरी तरह से जल चुके थे। चेतन और वीर सिंह ये देखकर दंग रह गए। आखिर शेखरन कहां गया और उसने वो किताबें क्यों जलाई? जानने के लिए सुने खूनी वधु सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। वीर सिंह और चेतन दोनों के होश उड़ चुके थे। वो ये समझ पाने में असमर्थ थे कि आखिर शेखरन ने किताबें क्यों जलाई। चेतन ने तुरंत टेबल पर रखे मग जिसमें थोड़ा पानी था उठाकर उन जलती किताबों पर डाल दिया और वहां पर पड़ी राख और कुछ बचे टुकड़ों को अपने हाथों से टटोल कर देखने लगा। वीर सिंह चेतन को ऐसा करते हुए देख रहा था। तभी चेतन जोर से बोला, सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा। कहते हुए चेतन उठ खड़ा हुआ और कुछ पल वीर सिंह और चेतन एक दूसरे को देखते रहे। लेकिन तभी वीर सिंह को गुस्सा आ गया। वो टेबल पर पड़ा पानी का ग्लास जोर से फेंकते हुए चिल्लाया, देखा मैंने कहा था ना, उसने तो सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया है। हमसे उसने जानबूझकर ये किताबें मंगवाई ताकि वो अपने मतलब की क्रिया सीख सके। जैसे ही उसने वो क्रिया सीखी उसके बाद उसने सारी किताबें ही जला दी ताकि हम ना जान पाए। यही नहीं, मुझे तो लग रहा है उसने और बड़ा कुछ करने की तैयारी की है। इस तरह किताबों को जलाकर चौकीदार को बेहोश करने की क्या जरूरत थी? जैसे ही चेतन ने वीर सिंह की आखिरी बात सुनी तो वो तुरंत बोला, अरे वो चौकीदार, चलो जल्दी चलो। कहते हुए चेतन तुरंत दरवाजे के पास बेहोश पड़े चौकीदार के पास पहुंच गया। उसने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं उठा। तब वीर सिंह घर में जाकर किसी बर्तन में पानी ले आया। पानी उस चौकीदार के चेहरे पर डालकर वो दोनों उसे होश में ले आए। इसके बाद वो दोनों बड़ी ही मायूसी के साथ घर की ओर निकल गए। रास्ते में चलते हुए चेतन वीर सिंह को देखकर मायूसी से भरी आवाज में बोला, उस चौकीदार से तो कुछ भी पता नहीं चला यार। जैसे चेतन ने कहा वो दोनों चौकीदार से की गई पूछताछ को याद करने लगे। जब वो चौकीदार होश में आ गया तब चेतन उसे झंझोड़ते हुए बोला, क्यों भैया जी, वो शेखर कहां गया वो? तब वो चौकीदार हैरानी से बोला, क्या कहा, वो बुड़बक भाग गया? कहते हुए वो आदमी अपने सिर पर हाथ रखते हुए दोबारा बोला, अरे भैया वो कहाँ गया हम नहीं जानते, लेकिन हमारा काम वो तो पक्का चला गया, बड़ी मुश्किल से मिला था। कहते हुए वो आदमी रोने लगा। उसे रोता देख वीर सिंह और चेतन एक बार फिर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तब वीर सिंह उस आदमी से दोबारा बोला, लेकिन भैया आपको उसने बेहोश कैसे किया ये तो पता होगा ना?
तब वो आदमी रोते हुए बोला, अरे हमका ना ही पता भैया, हम तो दरवाजे की ओर पीट करके बैठे रहे, फिर जोर से दरवाजा हमरे सिर पर टकराया, उसके बाद सीधे अभी आंख खुली है। बस ये सोचते हुए चेतन और वीर सिंह दोनों घर पहुंच गए। दोनों बिल्कुल शांत थे। घर पहुंचते पहुंचते दोनों को काफी देर हो चुकी थी। तब चेतन बोला, हमें पूरी तहकीकात अपने तरीके से शुरू करनी होगी। इस बात को सुन वीर सिंह बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन कल सुबह पंचों का सामना भी हमें ही करना है। मैंने तुमसे कहा था हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। कहते हुए वीर सिंह और चेतन दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह जब काशी जी ने परेशान चेतन और वीर सिंह को देखा तो उन्हें तुरंत अपने कमरे में बुलाया और बोले, क्या बात है बच्चों, परेशान नजर आ रहे हो। तब वीर सिंह ने हल्का सा चेतन को घूरा और फिर उसने कहा, पिताजी सब गड़बड़ हो गई है, हमें मदद करने का हवाला देकर शेखरन हमारी ही किताबों का इस्तेमाल करके भाग गया। ये सुनकर काशी जी भी शौक रह गए और आश्चर्यवश बोले, लेकिन ये सब हुआ कैसे। ये सुनकर वीर सिंह और चेतन ने काशी जी को पिछली रात को घटा सारा वाक्य सुना दिया। पूरी बात सुन लेने के बाद काशी जी बोले, ये जो कुछ भी हुआ है बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, लेकिन हम एक दूसरे तरीके से भी तो इस घटना को देख सकते हैं। ये सुनकर वीर सिंह बोला, मतलब हम आपकी बात नहीं समझे। तब शेखरन के बारे में बात करते हुए काशी जी बोले, ये भी तो हो सकता है कि शेखरन किसी तरह की मुसीबत में हो और हम उसे गलत समझ रहे हो। ये सुनते ही वीर सिंह काशी जी पर भड़कते हुए बोला, क्या आपको उस हत्यारे से हमदर्दी हो रही है जिसने हमारी चांदनी की जान ली है? ये वही आदमी है जिसने हमारी माही को हमारे खिलाफ खड़ा किया था और आप उस आदमी पर अपना भरोसा दिखा रहे हैं। तब काशी जी तुरंत ही उसकी बात का जवाब देते हुए बोले, नहीं वीर सिंह, मेरे कहने का कतई वो मतलब नहीं था जो तुम निकाल रहे हो। मुझे उससे ना कोई हमदर्दी है और ना ही मैं उसकी तरफ से बात कर रहा हूँ, मैं तो बस एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। तब वीर सिंह दोबारा काशी जी की बात को काउंटर करते हुए बोला, चलो मान भी ले ऐसा हो सकता है, लेकिन इस बात की संभावना भी बिल्कुल शून्य ही होगी, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि शेखरन कोई आम आदमी नहीं है। उसकी ताकत हम सबने देखी है, जो चित्रा को अपने वश में कर सकता है, जो खूनी वधु के सामने टिक सकता है और हम सबसे एक साथ लड़ सकता है, उसे भला क्या होगा। ये कहते हुए वीर सिंह ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, अब हमें ये बात मान लेना चाहिए, हमने उस पर विश्वास करके भूल की है और उसी भूल का फायदा उस दुष्ट ने उठाया है। कहते हुए वीर सिंह कमरे से बाहर निकल गया। तब चेतन भी कुछ पल रुक कर बोला, पिताजी मैं भी अब वीर सिंह की बात से सहमत हो गया हूँ, क्योंकि उसके सारे तर्क बिल्कुल सटीक थे। शेखर ने वो सारी किताबें और जरूरी दस्तावेज जला दिए हैं जिससे हमें किसी भी तरह की जानकारी मिल सकती थी। अब तो बस एक ही तरीका बचा है जो कि महात्मा अकाल देव ने बताया था। ये सुनकर काशी जी ने कहा, जो भी हो, जो कुछ करना है हमें जल्दी करना होगा। मैं भी अपने तरीके से गांव के कुछ पुराने लोगों से इस बारे में बात करके पता लगाने की कोशिश करूंगा। चेतन ने यह बात सुन हां में सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही चेतन अपने कमरे में पहुंचा तो माही वहां बैठे अपना कुछ काम कर रही थी। वो चेतन को परेशान देखकर बोली, क्या हुआ, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। ये सुन जैसे ही चेतन ने माही की ओर देखा तो उसे कुछ याद आ गया। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और माही के पास आकर बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, माही मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम शेखरन की क्रिया के बारे में कुछ जानती हो। तब माही ने कंफ्यूजन भरी आवाज में कहा, अरे लेकिन हुआ क्या। तब चेतन बोला, वो भाग गया है, कैसे क्या हुआ सब बता दूंगा, लेकिन तुम ये बताओ कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। तब माही बोली, हाँ पर मुझे कुछ। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही चेतन उसे खींचकर बाहर ले जाते हुए बोला, पर कुछ नहीं, तुम जल्दी मेरे साथ चलो, मैं सब तुम्हें रास्ते में बताता हूँ। इसके बाद वो दोनों ब्रिजमोहन के घर पहुंच गए। रास्ते में आते वक्त चेतन माही को सारी बातें बता चुका था। अंदर पहुंचते ही चेतन माही को वो जली किताबें दिखाते हुए बोला, माही क्या तुम इस अधजले पेपर्स को देखकर बता सकती हो कि शेखरन क्या करने की कोशिश कर रहा था। ये सुन माही वहां रखे शेखरन के सारे सामान को देखते हुए बोली, चेतन इन किताबों की हालत देखकर बता पाना मुश्किल है कि शेखरन क्या करने की कोशिश कर रहा था,
पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, कहते हुए माही ने उन जली हुई किताबों में से एक किताब को उठा लिया। तब चेतन उसके हाथ में वो किताब देखकर बोला, ये क्या है माही? माही ने तुरंत ही उस किताब को चेतन के आगे करते हुए कहा, ये किताब शेखरन की है। ये सुनते ही चेतन ने उसे अपने हाथ में ले लिया, जिसका सिर्फ बाहरी कवर बच गया था। चेतन हैरानी के साथ उसे देखते हुए बोला, लेकिन तुम इतना श्योर कैसे हो सकती हो? तब माही ने उस किताब के कवर पर बने एक निशान को चेतन को दिखाया और बोली, ये किताब 100% शेखरन की है। वो इस किताब से अपने मंत्रों का अध्ययन करता था, पर जैसा मैंने कहा, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर उसे किताबें और सारे डॉक्यूमेंट जलाकर भागना ही था तो फिर उसने खुद की किताब क्यों जलाई? कहते हुए माही सोचने लगी और फिर दोबारा बोली, इस बात के दो ही मतलब हो सकते हैं चेतन, या तो शेखरन कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है और ये सब उसने हमें गुमराह करने के लिए किया है, या फिर वो खुद किसी तरह की मुसीबत में है। ये सारी बातें जान लेने के बाद चेतन और माही दोनों घर चले आए। जब वो घर पहुंचे तब वीर सिंह चेतन और माही को साथ देखकर बोला, क्या हुआ, कहां गए थे तुम दोनों? इस बात के जवाब में चेतन ने तुरंत ही उस शेखरन की किताब का कवर वीर सिंह को दिखाते हुए कहा, हम दोबारा उसी घर में गए थे जहां शेखरन ठहरा था, और ये देखो हमें क्या मिला। ये सुनकर वीर सिंह ने आश्चर्य से उस कवर को देखते हुए कहा, ये क्या है? तब वीर सिंह की बात का जवाब माही ने दिया। वो बोली, ये शेखरन की किताब का हिस्सा है जिस पर आप लोगों का ध्यान नहीं गया, और मेरा मानना है कि, कहते हुए माही ने शेखरन को लेकर बिल्ड की हुई अपनी पूरी थ्योरी वीर सिंह को बता दी। लेकिन वीर सिंह ने इस बात पर कुछ खास रिएक्शन दिए बिना ही कहा, चेतन मेरे ख्याल में अब हमें उस शेखरन का पीछा छोड़कर आगे क्या करना है इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तुम यहां नहीं थे तब मैं दद्दा जी के कमरे में उनकी पुरानी चीजें देख रहा था, चलो आओ मैं दिखाता हूं तुम्हें। वीर सिंह की बात सुन चेतन और माही दोनों उसके साथ दद्दा जी के पुराने कमरे में जा पहुंचे। वीर सिंह ने वहां धूल खा रहे सामान में से एक बड़ा सा संदूक खींचकर बाहर निकाला और उसे खोलते हुए बोला, चेतन तुमने मुझे कहा था कि हमें हमारी परदादी लावण्य जी के बारे में जानना है, इसलिए मैंने सोचा कि दादी जी के बारे में जानकारी हमें यहीं से मिल सकती है, लेकिन, कहते हुए वीर सिंह चुप हो गया और उस संदूक के सामान को पलटने लगा। तब चेतन और माही भी संदूक के करीब बैठ गए और तभी चेतन बोला, लेकिन क्या वीर सिंह? तब वीर सिंह ने एक बड़ी सी तस्वीर निकाली और उस तस्वीर को चेतन को दिखाते हुए कहा, लेकिन चेतन कमाल की बात यह है कि इस तस्वीर के अलावा दादी जी की और कोई जानकारी यहाँ है ही नहीं, ना इससे पहले की कोई तस्वीर, ना किसी तरह के कोई दस्तावेज, कुछ भी नहीं। तब चेतन ने उस तस्वीर की ठीक से तह बनाते हुए बेहद साधारण अंदाज में उत्तर दिया, तो इसमें हैरानी की क्या बात है वीर सिंह, पुराने समय के लोग थे वो, वही उनके बारे में जानकारी मिलना आसान नहीं है। चेतन की इस बात को सुन वीर सिंह मुस्कुराने लगा और फिर बोला, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर दद्दा जी से जुड़े हर दस्तावेज यहाँ क्यों है? चलो माना दादी जी के जन्म के बारे में कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन उनके विवाह के बाद भी उनकी कोई जानकारी ना होना थोड़ा तो अजीब है। ये सुनकर माही बोली, भैया दद्दा जी का काफी सामान किताबों वाले कमरे में ही होता था, चलो एक बार वहां भी देख लेते हैं। ये सुनकर चेतन बोला, बुरा आइडिया नहीं है, क्या पता कुछ मिल जाए। ये कहते हुए चेतन उठ खड़ा हुआ और वीर सिंह से बोला, वीर सिंह भाभी को भी बुला लो, चारों मिलकर ढूंढेंगे तो शायद कम टाइम लगे, वैसे पिताजी नहीं दिख रहे हैं, वो कहाँ है? तब वीर सिंह ने चलते चलते जवाब दिया, वो मंदिर गए हैं कुछ लोगों से मिलने, शायद संध्या आरती के बाद ही लौटेंगे। इतना कहते हुए वीर सिंह अपने कमरे की ओर चला गया और माही के साथ चेतन किताबों वाले कमरे में पहुंच गया। रात का पहला प्रहर लगभग खत्म हो चुका था, साथ ही संध्या आरती भी काफी देर पहले खत्म हो चुकी थी, लेकिन काशी जी अब भी मंदिर के पास खड़े होकर किसी से बात कर रहे थे। जब उनकी बातें खत्म हो गई तब काशी जी घर की ओर चल पड़े। वो मंदिर को पार कर कुछ कदम चले ही थे कि तभी थोड़ी दूरी पर स्थित एक गली में उन्हें कुछ हलचल सुनाई पड़ी। उस हलचल को सुन काशी जी गली के बाहर स्थित खंभे पर लगे मध्यम रोशनी बल्ब की रोशनी में खड़े होकर देखने लगे। अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई गली के आखिरी हिस्से से उन्हें देख रहा हो। ये देखकर काशी जी मन ही मन बोले, इतनी रात को वहां कौन हो सकता है? ये सोचकर काशी जी उस गली के भीतर चलने लगे।
जैसे वो गली के बीचों बीच पहुंचे तो वो आदमी गली की दूसरी ओर चला गया। लेकिन जब वो जाने के लिए मुड़ाई था तो गली के उस छोर पर लगे बल्ब की रोशनी उस आदमी के चेहरे पर पड़ी, जिसे देख काशी जी चौंक गए और फिर हैरानी से बोले, शेखर वो भी यहाँ? लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा है? कहते हुए काशी जी तेजी से उसके पीछे जाने लगे। आखिर शेखरन वहां क्या कर रहा था? क्या ये काशी जी को फंसाने की कोई नई चाल है? जाने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। जैसे ही काशी जी उस अंधेरी गली से होते हुए उस गली के दूसरे छोर पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। काशी जी ने कुछ पल यहां वहां नजर घुमाई लेकिन कोई नजर नहीं आया। गली के दूसरी तरफ रेलवे पटरियां थी और पटरियों और गली के बीच में लगभग 3 फीट की दीवार रही होगी। काशी जी ने यहां वहां देखते हुए मन ही मन सोचा, तय मैंने किसी और को देखा होगा, लेकिन यहां अगर कोई था भी तो इस तरह अचानक कहां गायब हो गया। ये सोचकर काशी जी रेलवे एरिया वाली उस दीवार के पास जाकर खड़े हो गए। कुछ सोचते हुए उन्होंने दीवार के पार झांकने की भी कोशिश की। खंभे पर लगा बल्ब बहुत ही कम रोशनी दे रहा था, उसके आगे फिर पूरा अंधेरा ही अंधेरा था। जब काशी जी को कुछ नहीं मिला तब वो मन ही मन बुदबुदाते हुए बोले, मैं भी ना खामखा अपना समय खराब कर रहा हूं, यहां कोई नहीं है। ये कहते हुए काशी जी वापस उस गली में मुड़े ही थे तभी एक तेज आवाज उन्हें सुनाई पड़ी। ये आवाज किसी चीज के टकराने या जोर से जमीन पर गिरने की थी। ठीक उसी समय अंतराल के बीच वो बल्ब चलते बुझते हुए अचानक बंद हो गया। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन दीवार से दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन के सिग्नल पॉइंट्स पर लगे लाइट से कुछ रोशनी अब भी आ रही थी। जैसे काशी जी उस आवाज को परखने के लिए पीछे मुड़े तभी एक तेज रफ्तार ट्रेन वहां से गुजरने लगी, जिसके कारण वहां से आती रोशनी भी रुकते रुकते हुए आने लगी। इस बीच काशी जी उस गली में यही देखने की कोशिश कर रहे थे कि वो आवाज कैसी थी, और जैसे ही ट्रेन गुजरी तो सीधी रोशनी जमीन पर सीने के बल पड़े एक आदमी पर पड़ी। काशी जी उस आदमी को देखकर चौंक गए। जब उन्होंने उस आदमी का चेहरा देखने के लिए उसे पलटा तो उनके होश उड़ गए। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि शेखरन की थी। उसे देख काशी जी घबरा कर पीछे हट गए और उनकी धड़कन काफी तेज हो गई। वो तेजी से उठ खड़े हुए और वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी उनका पैर लड़खड़ा गया और वो जमीन पर गिर गए। तभी अचानक हल्की सी ठंडी हवा का झोंका सीधे उनके चेहरे पर आ लगा, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो दोबारा उठते हुए बड़बड़ाने लगे, ये कैसे हो सकता है? अभी तो शेखरन मुझे यहाँ खड़ा नजर आया था, और अभी के अभी? सोचते हुए काशी जी ने अपने कदम उस गली से निकालने के लिए तेज कर लिए। चलते चलते वो बड़बड़ाते जा रहे थे, ये संभव कैसे हुआ? क्या उसने खुद को मारा है? क्योंकि उसे मारना इतना आसान नहीं हो सकता। कहीं ये काम खूनी वधू का नाम काशी जी ने मुंह से अभी निकाला ही नहीं था कि सामने वाली सभी गलियों के सारे बल्ब एक एक करके बुझने लगे और वो सर्द हवाएं थोड़ी तेज हो गई। लेकिन वो रुके नहीं, चलते रहे। अचानक ही उस पूरे गलियारे में धुंध सी फैलने लगी और तभी गली के दूसरे छोर की ओर लगा एक बल्ब जल उठा। उस बल्ब के जलते ही काशी जी के कदम फिर रुक गए, क्योंकि सामने कोई खड़ा था। काशी जी ने 2 कदम पीछे लिए और मन ही मन उन्होंने एक मंत्र पढ़कर हमला करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। तभी रात रानी की मनमोहक सुगंध उस गली में फैल गई। उस सुगंध के आते ही काशी जी ने दांत पीसते हुए कहा, खूनी वधू से तो मैं आज, कहते हुए काशी जी बेहद ही क्रोध में आ गए और पढ़े हुए मंत्र का प्रयोग करते हुए उस पर जोरदार हमला कर दिया। लेकिन वो वार खूनी वधू को लगा ही नहीं और वो गायब हो गई। तब उसकी तेज हंसी उस पूरे इलाके में गूंजने लगी और अचानक वो काशी जी के सामने आकर बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? इसे भी यही लगता था, बहुत घमंड था इसे अपनी विद्या पर। सबसे पहले उस विद्या का ही अंत हुआ, अब बारी तेरी, तुझे मारकर मैं चेतन की हिम्मत ही तोड़ दूंगी।
तो वो मुझे नष्ट करने के बारे में स्वप्न में भी सोचना छोड़ देगा और फिर मैं उसका अंत कर दूंगी। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी और उसने अपने आत्मिक बल का प्रयोग करते हुए काशी जी को हवा में उठा लिया और चिल्लाते हुए बोली, अब मैं भी देखती हूँ कि तुझे कौन बचाता है। तब ये सुनकर भी काशी जी नहीं घबराए, वो लड़खड़ाती सी आवाज में बोले, हमसे तुम्हारी दुश्मनी है माना, लेकिन तुमने शेखरन की जान क्यों ले ली? तब खूनी वधु हंसते हुए बोली, ये बहुत कुछ जान गया था मेरे बारे में, और मैं जब तक तुम्हारा तुम सबका अंत करके खुद के लिए मुक्ति का मार्ग न ढूंढ लूं, तब तक मैं इस तरह अपने श्राप के कारण सभी को मारती रहूंगी और तुम लोगों के बाद इन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए काशी जी को जोर से जमीन पर पटक दिया। काशी जी दीवार से जाकर टकरा गए और उनके दाहिने पैर पर गहरी चोट लग गई। काशी जी ने एक बार फिर उठने की कोशिश करते हुए खूनी वधु पर वार किया, लेकिन वो बच गई और चिढ़ते हुए बोली, बस बहुत हुआ, तेरा मरने का समय आ गया। कहते हुए उसने एक बड़ा सा पत्थर हवा में उठा लिया और हंसते हुए बोली, एक बार फिर तेरा परिवार शोक मनाएगा। कहते हुए वो उस बड़े से पत्थर को काशी जी पर पटकने ही वाली थी कि तभी उसे एक तेज झटका लगा और वो बड़ा सा पत्थर चकनाचूर हो गया, साथ ही काशी जी पर से उसकी पकड़ छूट गई। खूनी वधु ये देख हैरान हो गई और जैसे वो पीछे मुड़ी तो देखा वहाँ चेतन खड़ा हुआ था। वो खूनी वधु को देखकर जोर से चिल्लाया, तुझे क्या लगता है मेरे रहते तू मेरे परिवार के लोगों को मार पाएगी? जैसे खूनी वधु ने चेतन को देखा तो वो तुरंत वहां से गायब हो गई। तब चेतन भागते हुए काशी जी को उठाने के लिए दौड़ा और उन्हें सहारा देते हुए बोला, पापा आप ठीक तो है ना? काशी जी को जवाब देते उससे पहले ही एक बार फिर खूनी वधु की हंसी गूंजने लगी। वो गूंजती हंसी के साथ जोर से चिल्लाई, मुझे नष्ट करने की तेरी योजना का मैंने अंत कर दिया और तेरा अंत भी करीब है। ये कहते हुए वो अचानक चेतन के सामने प्रकट हो गई और उस पर हमला कर दिया। तब चेतन ने मन ही मन वही मंत्र पढ़ना शुरू किए जो उसने खूनी वधु से लड़ने के लिए सीखे थे। जैसे खूनी वधु पर चेतन ने वार किया तब एक तेज रोशनी के साथ उस वार का प्रभाव खूनी वधु पर हुआ और वो दूर जा गिरी। उसी समय चेतन काशी जी को अपने कंधे पर डालते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि इससे लड़कर हमें कुछ हासिल होगा और इससे पहले वो दोबारा हमला करे हमें यहाँ से निकलना होगा। कहते हुए चेतन काशी जी को बाइक पर बैठाकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ जब खूनी वधु चेतन के हमले से कुछ देर मूर्छित पड़ी रही और जब उसकी मूर्छा टूटी तो देखा चेतन और काशी जी वहां से गायब थे। ये देख खूनी वधु क्रोध से भर उठी और उसकी आवाज से आसपास खंभों पर लगे सभी बल्ब टूट गए। चेतन काशी जी को लेकर घर पहुंच चुका था जहां सभी लोग काशी जी और चेतन का एक चिंता के साथ इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई वीर सिंह बोला, लगता है वो लोग आ गए। कहते हुए वो भागा और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खोला तो पाया काशी जी चेतन के कंधे पर झूलते हुए से खड़े हैं और वो घायल है, जगह जगह उन्हें चोट लगी है। ये देखते ही गोमती और माही भी भाग कर दरवाजे पर आ गए। माही घायल काशी जी को देख घबराते हुए बोले, मतलब हमारा डर सही निकला, खूनी वधु ने ही इन्हें चोट पहुंचाई है ना चेतन? चेतन इस बात का कोई जवाब देता उसके ठीक पहले वीर सिंह बोला, माही ये समय बात करने का नहीं है, पहले हमें पिताजी को आराम से उनके कमरे में ले जाना चाहिए। इसके बाद काशी अपने पलंग पर लेटा दिए गए और उनकी चोटों का प्राथमिक उपचार भी कर दिया गया। सभी उनके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। तभी काशी जी थोड़ी दर्द भरी आवाज में बोले, लेकिन बेटे चेतन तुम्हें कैसे पता कि मैं मुसीबत में हूं? तब चेतन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसने कमरे में टहलते हुए एक कहानी की तरह इस घटना का उत्तर दिया। इस बात का अंदाजा उसे तब हुआ जब कुछ घंटे पहले वो लोग किताबों वाले कमरे में कुछ ढूंढ रहे थे। चेतन एक शेल्फ पर कुछ ढूंढते ढूंढते तुरंत माही की ओर मुड़ा और बोला, माही वो शेखरन की जली किताब का कवर कहाँ है? ये सुनते ही माही ने टेबल पर रखे उस कवर को चेतन की ओर सरका दिया। चेतन ने तेजी से उस कवर को उठाया और उसे सूंघने लगा। तब माही उसे अजीब तरह से देखते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो?
तब चेतन वो कवर उसे देकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम भी करके देखो, समझ जाओगी। जैसे माही ने उस कवर को सूंघा तो वो आश्चर्य से भर उठे और हैरानी से बोली, रात रानी? तब चेतन बोला, तो अब तुम इसका मतलब भी समझ गई होगी। इस कवर के जलने के बाद भी इसमें से रात रानी की खुशबू नहीं गई। इसका मतलब इसे खुद खूनी वधु ने छुआ होगा, क्योंकि खूनी वधु की पहचान ही ये खुशबू है। ये सोचते हुए चेतन को कुछ याद आया और वो हैरानी से बोला, अरे तो क्या इसका मतलब शेखरन को भी उसी ने गायब किया होगा? तब माही बोली, ये भी तो हो सकता है कि चित्रा ने उसकी ये किताब जला दी, जिसके कारण वो उसके सामने टिक ना सका और जान बचाते हुए कहीं भागा हो। माही की बात सुन चेतन कुछ सोचने लगा और तभी वो चिंता भरी आवाज में बोला, एक मिनट, पापा, क्या पापा अब तक नहीं लौटे? तब माही बोली, नहीं, लेकिन हुआ क्या? तब चेतन घबराकर घर से बाहर भागते हुए बोला, कालदूत ने मुझे चेतावनी दी थी कि खूनी वधु की शक्तियां बढ़ रही है, इस वक्त जो अकेला होगा वही उसका शिकार है, मुझे पिताजी को ढूंढना होगा। ये कहानी पूरी करते हुए चेतन बोला, और इस तरह मैं आपको ढूंढते हुए वहां पहुंचा था। ये सुनकर गोमती सभी को चाय का कप देते हुए बोली, भगवान का लाख लाख धन्यवाद जो चेतन भैया समय से वहां पहुंच गए, वरना आज तो बड़ी अनहोनी हो जाती। ये सुन काशी जी ने चेतन की ओर देखकर कहा, सही कहा, आज अगर चेतन ना होता तो मैं तो सच में गया था। लेकिन एक बात तो सही है, खूनी वधु की शक्ति सच में बढ़ गई है। हो सकता है नया शरीर मिलने से वो पहले की तरह ज्यादा ताकतवर हो रही है। खैर तुम लोग बताओ, तुम्हें कुछ मिला? तब माही बोली, जी पिताजी, हमें ये पता चला है कि शेखरन के गायब होने में खूनी वधु का ही हाथ है, क्योंकि हमें उसकी भी कुछ किताबें जली हुई मिली थी। ये सुनकर काशी जी चुप रहे और अपनी जेब से एक कागज का जला हुआ टुकड़ा उठाया और चेतन को देते हुए बोले, जरा इस कागज को देखो, क्या है इसमें? चेतन ने आश्चर्य के साथ उस कागज को खोला, लेकिन उस पर क्या लिखा था कुछ खास समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आखिरी कोने में लावण्य जी का नाम लिखा हुआ था और उसके आगे पुश्तैनी गांव भी लिखा था। बाकी कागज जला हुआ था। तब चेतन हैरान होते हुए बोला, पापा, इस पर तो दादी जी का नाम है और पुश्तैनी गांव लिखा है। आगे कुछ और भी था, लेकिन जल चुका है ये, आपको कहां से मिला? काशी जी ने हिचकिचाहट के साथ कहा, बेटे शायद तुमने ध्यान ही नहीं दिया, जहां तुमने मेरी जान बचाई थी वहां एक और लाश पड़ी हुई थी। ये पर्ची मुझे इसी लाश के पास मिली थी। जैसे ही काशी जी ने लाश वाली बात कही, तब सबके सब हैरानी से उन्हें देखने लगे। तभी चेतन बोला, लाश? मैंने तो वहां कोई लाश नहीं देखी, लेकिन आखिर वो लाश थी किसकी? ये सुनकर भी काशी जी शांत रहे। तभी वीर सिंह बोला, बोलिए पिताजी, अगर वहां लाश थी तो आपने उसका चेहरा देखा ही होगा। तब काशी जी ने कहा, वो लाश शेखरन की थी। ये सुनकर सभी के सभी हैरान रह गए। तब वीर सिंह हैरान होकर बोला, नहीं पिताजी, मुझे लगता है आपसे कोई गलती हुई है, वो शेखरन नहीं हो सकता, आपने जरूर किसी और की लाश देखी होगी। तभी माही भी बोली, मुसीबत में पड़ना और बात है, लेकिन जितना मैंने उसे देखा है, उसका इतनी आसानी से मर जाना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सभी अपनी अपनी बात रख रहे थे। तब माही चेतन से बोली, चेतन, क्या तुम्हें भी लगता है कि शेखरन मर सकता है? तब इस सवाल का जवाब देने से पहले चेतन ने फिर उसकी किताब का कवर अपने हाथों में उठाया और कुछ सोच कर बोला, और अगर ये हमला बिल्कुल धोखे से किया गया हो तो? ऐसे कि शेखरन को पता भी ना चला, क्या पता शायद वो तैयार ही ना हो, और शायद वो जान गया था कि हम लोग उसकी तलाश जरूर करेंगे, इसलिए उसने जले डॉक्यूमेंट से इस कागज को उठाकर जेब में रखा होगा। इसका मतलब, तभी माही पीछे से बोली, इसका मतलब इस कागज पर कोई हिंट लिखा है जो वो हमें देना चाहता था। आखिर उस कागज पर लिखे शब्दों का क्या मतलब है? वो क्या है जो शेखरन सभी को बताना चाहता था? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधु, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।
जब चेतन के साथ साथ सभी ने इस बारे में जाना कि शेखरन खूनी वधु के हाथ मारा गया है, तो सभी इस भयानक सच को पचा नहीं पा रहे थे। माही और चेतन दोनों अपने कमरे में थे। माही किसी पुरानी किताब को हाथ में लिए बेमन से उसके पन्ने पलट रही थी और चेतन शांति से पलट कर लेटा हुआ था। रात काफी हो चुकी थी और आज हुई घटना के कारण दोनों को नींद नहीं आ रही थी। तभी एकाएक चेतन माही के हाथ में पकड़ी किताब को देखकर बोला, रहस्यमयी मौत। माही, तुम ये किस तरह की किताब पढ़ रही हो? तब माही ने उबासी लेते हुए वो किताब साइड में रखकर कहा, मैं पढ़ नहीं रही थी, नींद आ जाए इसलिए बस उठा ले आई थी। तब चेतन ने तुरंत ही कहा, ओ खैर वो छोड़ो, मैं ये कह रहा था कि मैं जानना चाहता हूँ कि शेखरन जो इतना शक्तिशाली आदमी था वो हारा कैसे? तब माही बोली, बताने वाला तो जा चुका है, कैसे जान पाएंगे हम? तब चेतन उठते हुए बोला, चलो दोबारा वहां चलते हैं और अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, कैसे भी नींद नहीं आ रही, क्या पता कुछ नया पता चल जाए। ये सुनकर माही अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और चेतन की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। फिर क्या था, दोनों एक बार फिर उस ब्रजमोहन के घर पर पहुंच गए। घर पूरी तरह खुला पड़ा था। दोनों ने घर की ओर कदम रखा और तभी माही टॉर्च के जरिए यहां वहां देखते हुए बोली, चेतन जरा ध्यान से सभी जगह देखना। ये सुनकर जैसे ही चेतन ने मुख्य दरवाजा धीरे से बंद किया तो उस दरवाजे के पीछे लकड़ी के जल जाने का निशान था। ये देखकर दोनों उस कमरे तक पहुंच गए जहां शेखरन बैठा था। वो दोनों काफी देर तक उस कमरे को ठीक से देखते रहे। खिड़की के पास एक टेबल रखा हुआ था और उसके बिल्कुल करीब वैसा ही निशान था। ठीक एक और वैसा ही निशान बिस्तर की ओर वाली दीवार पर था। चेतन ये सारी चीजें देखकर बोला, माही मैं पूरी कहानी समझ गया हूँ, शेखरन पूरी तरह तैयार था ही नहीं, असल में हुआ कुछ ऐसा होगा। ये कहते हुए शेखरन के बारे में चेतन ने कहानी सुनाना शुरू की। चेतन वहां रखी खाने की प्लेट को देखकर बोला, मुझे लगता है शेखरन रात के खाने के बाद पलंग पर बैठकर सारी किताबों की जांच कर रहा होगा। उसी समय घर के बाहर मुख्य दरवाजे से कुर्सी लगाकर बैठा गार्ड रेडियो पर तेज आवाज में गाने सुन रहा होगा, क्योंकि हमने उसका टूटा रेडियो देखा था। ये सुन माही ने धीमे से कहा, ओके आगे। तब चेतन दोबारा बोला, हाँ इसके बाद अचानक ही खूनी वधु बिना किसी शोर और बिना किसी इंडिकेशन के खिड़की के जरिए कमरे में दाखिल हुए और टेबल पर रखी शेखरन की किताबों को हाथ में उठा लिया। और जैसे ही शेखरन ने खूनी वधु को घर में देखा तो वो घबरा गया और पलंग से उतरकर टेबल की ओर अपनी मंत्र वाली किताब देखा, पर वो तो खूनी वधु के हाथ में थी। यहाँ उन दोनों के बीच में कोई कहा सुनी हुई होगी और खूनी वधु ने सबसे पहले उसकी मंत्रों वाली किताब जलाकर यहाँ पटकी। लेकिन अपनी किताब को जलता देख शेखरन गुस्से से भर उठा और उसने खूनी वधु पर हमला किया, पर खूनी वधु अचानक गायब हो गई, जैसा उसने मेरे साथ लड़ाई में किया था, और वार सीधा खिड़की पर जा लगा, इसलिए ये निशान यहाँ है। तब माही ये सुनकर बोली, यहाँ तक करेक्ट है, फिर आगे? तब चेतन ने दोबारा कहा, फिर आगे शेखरन ने दौड़कर किताब जलती देखी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और उसकी विद्या पूरी तरह से राख हो चुकी थी। शेखरन हमेशा से किताब पर डिपेंडेंट था और बिना किताब के खूनी वधु को हराना उसके लिए मुश्किल था। वो कुछ और कर पाता उससे पहले खूनी वधु ने पलंग पर पड़े किताबों और कागजों में भी आग लगा दी होगी। ये देख शेखरन से रहा नहीं गया और उसने एक बार फिर दोबारा कोशिश करते हुए मंत्र पढ़कर उसने खूनी वधु पर वार किया और उसका दूसरा वार सीधा दीवार पर जा लगा। ये सारी बातें सुनने के बाद माही थोड़ा कंफ्यूज होकर बोली, चेतन यहाँ मिले सबूतों को देखकर तो यही लग रहा है कि जो तुम कह रहे हो वो सटीक है, लेकिन फिर वो बाहर वाले दरवाजे पर बना निशान उसका क्या? तब चेतन मुस्कुराकर बोला, अच्छा सवाल, मेरे हिसाब से शेखरन समझ गया था कि वो खूनी वधु से जीत नहीं पाएगा, तब उसने जलती आग से पेपर उठाया और तेजी से दरवाजे पर वार कर उसे तोड़ा। उसी झटके से वो गार्ड भी गिरकर बेहोश हो गया और उसका रेडियो भी टूट गया, पर वो खूनी वधु से बच नहीं पाया और बाहर जाते ही खूनी वधु ने शेखरन की जान ले ली। माही चेतन की थ्योरी को सच मानकर बोले, सही कहा, इसके अलावा उसके मर जाने का कोई तुक नहीं है। पर चेतन सच में जिस तरह से तुमने ये चीजें देखकर ये कहानी बताई वो काबिले तारीफ है, कम से कम हम उसकी मौत को समझ तो पाए।
इसके बाद माही और चेतन दोनों घर लौट आए। अगले दिन वीर सिंह और काशी जी दोनों मिलकर किसी बात पर विचार कर रहे थे, तभी चेतन वहां आया। तब वीर सिंह उसकी लाल हो चुकी आंखों को देखकर बोला, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पूरी रात सो नहीं पाए? तब चेतन ने कहा, हाँ हम शेखरन की मौत का रहस्य समझ रहे थे। खैर आप लोग बताइए, उस क्लू पर कुछ लीड मिली? तब ये सुन वीर सिंह मुंह बनाते हुए बोला, अब तक तो नहीं। इसके बाद चेतन काशी जी की ओर देखते हुए बोला, अब पिताजी आप गांव के लोगों से दद्दा जी के बारे में जानने की बात कर रहे थे, उसके बारे में कुछ पता चला? तब काशी जी बोले, हाँ कल मैं गुरुजी के बारे में पता कर रहा था, लेकिन वही सब बातें पता चल पाई है जो हम पहले से जानते हैं। गांव में उनकी उम्र का ऐसा कोई शख्स है ही नहीं जो एक पुख्ता जानकारी दे सके, लेकिन बस एक बात अलग पता चली है। तब चेतन और वीर सिंह ये सुनकर एक साथ बोले, क्या? काशी जी ने कहा, सरपंच के पिता ने बताया कि हमारे लोगों का कोई ना कोई संबंध अंबिकापुर से है। और फिर वीर सिंह भी हैरानी से बोला, अंबिकापुर, उससे भला क्या संबंध हो सकता है हमारा? कहते हुए वीर सिंह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर चला गया और कुछ ही पल में वापस आकर बोला, मुझे याद आ गया, अंबिकापुर में पहले बड़ा हाट लगा करता था जो कि कई साल पहले लगना बंद हो गया, और जिस तरह से हमारा काम अनाज बेचने खरीदने का है जो कि हमारा पुश्तैनी काम है, क्या पता इसी कारण हमारा संबंध उस गांव से हो। ये सुनकर चेतन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, वो जो भी हो पिताजी, अगर गांव का नाम आया है तो हमें जाना चाहिए, एक बार पता करने में हर्ज ही क्या है। ये सुनकर वीर सिंह तुरंत ही बोला, तो ठीक है फिर, देर किस बात की, चलो चलें। तब चेतन ने तुरंत ही कहा, नहीं वीर सिंह तुम नहीं, यहाँ तुम्हारा रहना जरूरी है, पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं है और फिर ऐसे में भाभी और गौतम पर भी खतरा हो सकता है, इसलिए माही और मैं जाते हैं। वैसे भी माही का चेहरा हमारी परदादी से मिलता है, अगर दादी का संबंध उस गांव से हुआ तो क्या पता कोई उसे पहचान ले। ये सुनकर वीर सिंह बोला, तो ठीक है तुम दोनों जाओ, यहाँ की चिंता मत करना, मैं हूँ यहाँ। इसके बाद चेतन और माही दोनों अंबिकापुर के लिए निकल गए। कुछ ही घंटों में वो दोनों अंबिकापुर के बाहर खड़े थे। चेतन ने गांव के बाहर ही जीप रोक दी। तब माही बोली, क्या हुआ चेतन, हम यहाँ क्यों रुक गए? तब चेतन बोला, हम जो दद्दा जी की तस्वीरें लाए हैं उसे निकाल लो, हम यहीं से शुरू करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये कहते हुए चेतन थोड़ा आगे निकल आया, लेकिन तभी दोबारा माही के पास आकर बोला, माही याद रखना हमारा टारगेट बूढ़े लोग हैं और हमें उन्हीं लोगों से पूछना है, ओके? माही ने इस बात के जवाब में हाँ में सिर हिला दिया। वो दोनों अरुणोदय सिंह की जवानी के दिनों वाली एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर लोगों को दिखाकर उनके बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उन्हें वहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये कह सके कि किसी ने उन्हें देखा है। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने गांव में पूछना शुरू किया, लेकिन कोई नहीं बता सका अरुणोदय सिंह के बारे में। थोड़ी देर बाद शाम होने लगी, तब माही थक हार कर जीप में बैठते हुए बोली, चेतन मुझे लगता है हम सिर्फ अपना वक्त ही बर्बाद कर रहे हैं, इतने साल बाद दत्ता जी को कौन पहचानेगा। माही की बात सुन चेतन ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दिया और वो बोला, सही कहा माही, यहाँ हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमें लौट जाना चाहिए। ये कहते हुए वो ड्राइविंग सीट पर बैठा ही था कि तभी उसे कुछ याद आया और वो तुरंत बाहर निकलते हुए बोला, बस माही एक आखिरी कोशिश और, कुछ ना मिला तो हम घर की ओर निकल जाएंगे। ये कहते हुए चेतन एक आदमी के पास जाकर बोला, अरे भैया जी यहाँ सालों पहले एक बड़ा हाट लगा करता था, वो जगह कहाँ है? तब उस आदमी ने चेतन को संदेह भरी नजरों से देखते हुए कहा, पहली बार यहाँ आए हो क्या? तब चेतन ने हैरानी से कहा, पहली बार, क्यों क्या हुआ? तब वो आदमी दोबारा बोला, तब ही, खैर आगे जाकर तुम किसी से भी हाट मैदान पूछ लेना, पता चल जाएगा। चेतन और माही दोनों उस आदमी की बात मानकर हाट मैदान पहुंच गए। वहां आज के समय का बस अड्डा बना हुआ था और कुछ दुकानें थी। वो लोग जैसे ही एक दुकान की ओर बढ़े तभी दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई पड़ी, ए बढ़िया कितनी बार कहा है शाम के समय यहाँ भीख मांगने मत आया कर, घर जाते वक्त भी तेरा चेहरा दिखता है तो अशुभ हो जाता है। कहते हुए उस आदमी ने एक बूढ़ी औरत को धक्का दे दिया और वो माही से कुछ दूरी पर गिरी। माही उस आदमी पर भड़कते हुए चिल्लाई, अरे अरे
जाहिल आदमी, अपनी माँ से ऐसे बिहेव करते हो क्या? तभी वो आदमी भी भड़क उठा। ओ मैडम जी, घर जाते समय इस पागल बुढ़िया के चक्कर में हमारा दिमाग गरम मत कीजिए। इससे पहले बात आगे बढ़ती, चेतन ने बीच बचाव करते हुए बात को संभाल लिया। जब मामला सुलझ गया तो माही और चेतन आगे बढ़ गए। तब पीछे से वो बुढ़िया आश्चर्य से बोली, हूबहू वही शक्ल। ये सुनते ही चेतन और माही दोनों के कदम रुक गए। इधर वीर सिंह और काशी जी दोनों बैठे बातें कर रहे थे, तभी एक आदमी घर में आकर बोला, वीर सिंह भैया, आप लोगों को सरपंच जी ने पंचायत में बुलाया है। उस आदमी की बात सुनकर उन्होंने एक दूसरे को देखा, क्योंकि वो दोनों समझ चुके थे कि ये बुलावा शेखरन की मौत की जवाबदेही के लिए आया है। जब वो दोनों पंचायत भवन पहुंचे तो पाया सरपंच जी समेत कुछ और लोग भी वहां मौजूद थे। तब काशी जी और वीर सिंह के वहां पहुंचते ही सरपंच सफेद कपड़े में लिपटी शेखरन की लाश की ओर देखकर काशी जी पर भड़कते हुए बोला, काशी जी, जब इस आदमी ने अपने मुंह से कबूला था कि खूनी वधू के नाम पर इसने हत्या की है, तब आप लोगों की बात सिद्ध हो गई थी, लेकिन आज इसी आदमी की लाश मिली है जो आपके साथ मिलकर खूनी वधू को रोकने वाला था। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? यही तो हमारी आखिरी उम्मीद थी। तभी पास खड़ा दूसरा आदमी एक पल काशी जी और वीर सिंह को देखकर बोला, माफ कीजिएगा सरपंच जी, लेकिन शायद आपको वीर सिंह भैया के परिवार पर भरोसा नहीं है। ये वही है जिन्होंने गांव को कई बार खूनी वधू से बचाया है, तो क्या आप इस हत्यारे की मौत का इल्जाम इन लोगों पर लगा रहे हैं? ये सवाल सुनते ही सरपंच सकपका गया। उस आदमी के साथ कुछ और लोगों ने उसका समर्थन दिया और इस तरह काशी जी और वीर सिंह के बिना एक शब्द बोले ही मामला उन दोनों के पक्ष में चला गया और सरपंच जी शांत पड़ गए। तब काशी जी बोले, शुक्रिया दोस्तों हम पर विश्वास करने के लिए। हम मानते हैं कि खूनी वधू ने इसे हम लोगों के साथ के कारण मारा है, पर हम भी उसे हराने के बहुत करीब है। हम बहुत जल्द उसे नष्ट करेंगे और इसके साक्षी आप सभी ग्रामवासी होंगे। जहां एक तरफ काशी और वीर सिंह ने गांव वाला मामला हैंडल कर लिया था, वहीं दूसरी तरफ वो बूढ़ी औरत माही के करीब चली आई और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, बिल्कुल वही है। ये सुनते ही चेतन आश्चर्य से बोला, क्या आप सचमुच इसे जानती हैं? तब वो बूढ़ी औरत बोली, इसे नहीं, उस बेचारी एक अबला की बेटी थी, अपनी माँ के साथ रहती थी। ये सुनते ही चेतन और माही हैरान हो गए। तभी चेतन ने तुरंत जेब से अरुणोदय जी की तस्वीर निकाली और उस बूढ़ी औरत को दिखाते हुए बोला, और क्या आप इन्हें भी जानती हैं? तब बुढ़िया ने तस्वीर चेतन के हाथ से ले ली और उसे अपनी आंखों से बिल्कुल दूर रखकर आंखें छोटी करके देखने लगी और फिर एक बार चेतन को देखकर बोली, अरे हाँ, इसे और तेरे जैसे दिखने वाले उन दोनों लड़कों को भी नहीं भूल सकती मैं। मैंने ही उन दोनों को मदद के लिए बुलाया था। ये सुनते माही और चेतन आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। आखिर कौन है ये बूढ़ी औरत और कैसे जानती है वो अरुणोदय सिंह को? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधु सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। काशी जी और वीर सिंह शाम होते होते घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही वीर सिंह काशी जी से बोला, पिताजी, ये बहुत ही अच्छा हुआ कि गांव के लोग ही हमारे पक्ष में हैं, वरना ये नए सरपंच तो पूरा दोष हम लोगों के सर पर ही मढ़ना चाहते थे। आपने देखा ना, वो किस तरह हम पर भरोसा ना करते हुए शेखरन को आखिरी उम्मीद बता रहे थे। तो काशी जी वीर सिंह की बात सुनकर मुस्कुराए और उसके पास आकर बोले, अब छोड़ो भी, हर जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि शांति बनी रहे, उन्हें कलेश फैला कर ही मजा आता है। ध्यान रहे, ऐसे तत्वों से बचकर रहो। पर फिलहाल मेरी चिंता का विषय ना गांव के लोग हैं और ना ही सरपंच जी। काशी जी की इस बात ने वीर सिंह को कंफ्यूजन में डाल दिया। वो भी काशी जी के करीब चला आया और एक तरह के गंभीर स्वर में बोला, क्या हुआ पिताजी, अब आपको किस बात की चिंता है? चेतन और माही आगे क्या करना है इस पर काम कर तो रहे ही हैं। इस बात पर काशी जी गहरी सांस लेते हुए बोले,
लेकिन शायद तुमने शेखरन की लाश को ठीक से नहीं देखा था। ऐसा लगता है जैसे उसने शेखरन को अपने श्राप में बंध कर नहीं बल्कि बदले की भावना से मारा है। काशी जी की बात सुन वीर सिंह की आंखें बड़ी हो गई और उसने भी कुछ सोचते हुए बात आगे बढ़ाई। ओह हाँ, तभी उसका शरीर सफेद न होकर साधारण ही रहा। इसका तो यही मतलब है कि खूनी वधु को जितना समय मिल रहा है उसकी शक्तियां पहले की तरह बढ़ती जा रही है। काशी जी वीर सिंह की बात सुनकर कुछ न बोले और वहां खड़े रहकर मन ही मन कुछ सोचते रहे। आखिर में जाते हुए उन्होंने धीरे से कहा, हे ईश्वर, किसी तरह चेतन और माही को जल्दी ही कामयाब कर दे। कहते हुए वो अपने कमरे में चले गए। दूसरी तरफ चेतन और माही उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर काफी हैरान थे। जब चेतन से उस बुढ़िया ने उसे जाने के बारे में कहा तो चेतन उस बुढ़िया से बोला, लेकिन माँ जी, आप है कौन और कैसे जानती हैं आप इन चेहरों के बारे में? इस बात का जवाब उस बुढ़िया ने नहीं दिया। उसने जमीन पर गिरी अपनी लाठी उठाई और वहां से धीरे धीरे चलते हुए बोली, मैं कौन हूँ बेटा, ये तो मैं खुद नहीं जानती। वैसे भी हम गरीबों की कहाँ कोई पहचान होती है। कहते हुए वो बुढ़िया गांव के बाहर जाने वाले रास्ते पर चलने लगी। चेतन और माही उन्हें बिना डिस्टर्ब किए पीछे पीछे उस बुढ़िया की झोपड़ी तक चले आए। जब बुढ़िया अंदर जाने वाली थी कि तभी माही बोली, माँ जी, हमें कृपया पूरा सच बताइए, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। ये सुनकर बुढ़िया ने झोपड़ी का टूटा सा दरवाजा धक्का देकर खोला और उन दोनों को देखकर व्यंग करते हुए बोली, अगर ऐतराज ना करो तो इस बुढ़िया के महल में आ जाओ। कहते हुए वो मुस्कुराने लगे। तब चेतन और माही ने भी उनकी बात सुन एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा और अंदर चले गए। माहौल में शांति थी। तभी उस बूढ़ी महिला ने मिट्टी के तेल के एक छोटी सी डिबरी जलाते हुए कहा, मेरा नाम जागरानी देवी है। कई सालों पहले जब ये जगह किसी नगर की तरह थी, तब यहाँ एक बड़े सेठ हुआ करते थे, उन्हीं की पत्नी थी मैं। अपने जवानी के दिनों में पति गुजर गए, तब मैंने ईश्वर की भक्ति में मन लगा लिया। मैं हर शाम पास के गांव फूलपुर में काल भैरव मंदिर जाया करती थी। जैसे चेतन और माही ने ये सुना तो वो दोनों उत्साह से बोले, हम दोनों उसी गांव से आए हैं, लेकिन वो छोड़िए, आप आगे बताइए। तब जागरानी देवी आगे बोली, हाँ तो क्या कह रही थी मैं, हाँ याद आया, जब मैं मंदिर जाया करती थी तब एक और माँ बेटी की जोड़ी वहां आती थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी वो लड़की। अब इतना वक्त बीत गया कि नाम तो मुझे भी याद नहीं, पर खैर मुझे काफी बाद में पता चला कि वो मेरे ही गांव की है। फिर क्या, धीरे धीरे पहचान हो गई। लड़की के पिता भी गुजर गए थे, वो औरत लड़की को अकेले ही पाल रही थी। ऐसे ही चलता रहा, फिर एक दिन उन्होंने मंदिर जाना बंद कर दिया। मैंने काफी दिनों तक उनका इंतजार किया पर वो नहीं आई। तब एक परिचित होने के नाते मैंने उनके घर जाना जरूरी समझा। ये सारी बातें सुन चेतन और माही हैरान थे। तब वो बूढ़ी महिला आगे बोली, उस रात जब मैं उन दोनों के घर पहुंची तो जो मैंने देखा उसे शायद मुझे नहीं देखना चाहिए था, वरना आज मेरी ऐसी हालत ना होती। उनके घर में एक लाश पड़ी हुई थी। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो उस लड़की की माँ ने मुझसे मदद मांगना शुरू किया। वो दोनों यही कह रही थी कि हमने इस आदमी को नहीं मारा, और सच कहूं तो मुझे उन दोनों पर यकीन था। मैं कुछ कर पाती उससे पहले ही गांव के लोग उन दोनों को जान से मारने चले आए। तब मैंने उनकी मदद की और राह चलते दो आदमियों के साथ उन्हें किसी तरह वहां से निकाल दिया। लेकिन लोग ये मान बैठे कि इस खून में मैं भी उन दोनों के साथ थी, इसलिए पूरे गांव ने मुझे समाज से बेदखल कर दिया और मुझे धीरे धीरे मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। बाद में मेरा इकलौता बेटा भी मर गया।
कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। माही ने किसी तरह उन्हें शांत किया और दोबारा बात करने की कोशिश की। तब चेतन ने दोबारा पूछा, आप पर भी कत्ल का इल्जाम था? तब जागरानी देवी बोली, नहीं, हत्या के साथ साथ वैश्यावृत्ति में लिप्त महिला का साथ देने का भी इल्जाम था मुझ पर। ये सुन चेतन और चांदनी दोनों के पैरों तले जमीन न रही। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। चेतन माही से तुरंत बोला, वैश्यावृत्ति में लिप्त, ये कैसे हो सकता है? और लावण्या जी और उनकी माता जी भला किसी को जान से क्यों मारना चाहेंगी? बात कुछ समझ नहीं आ रही। इस बात पर विचार करते हुए चेतन दोबारा जागरानी देवी से बोला, अच्छा माँ जी, वो दोनों आदमी जिन्होंने उन्हें बचाया वो? ये कहते हुए चेतन ने अपना सवाल अधूरा छोड़ दिया। लेकिन तभी जागरानी देवी बोली, उन दोनों को मैंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन दोनों दिखने में सीधे साधे और व्यापारी लोग लग रहे थे। ऐसे भी हमारे इस गांव में उस समय कई सारे व्यापारी लोग आते थे, और जैसा कि मैंने बताया, एक ये तस्वीर वाला था और दूसरा तुम्हारी शक्ल का था। ये सारी बातें जानकर चेतन और माही ने एक दूसरे को देखा और उठ खड़े हुए। तब माही हाथ जोड़कर बोली, धन्यवाद माँ जी, आपने हमारी बहुत मदद की है। तब चेतन भी तुरंत बोला, हम दोनों वही लड़की जिनका नाम लावण्या था उन्हीं के वंशज है। वो हमारी परदादी और फोटो वाले ये आदमी हमारे परदादा थे। धन्यवाद इतनी बातें हमें बताई, अब हमें जाना चाहिए। कहते हुए वो दोनों झोपड़ी से बाहर निकल गए। लेकिन तभी चेतन वापस झोपड़ी में आकर बोला, माँ जी, अगर आप ना होती तो शायद हम भी ना होते। आपका एहसान सदा हमारे परिवार पर रहेगा, आप चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर चेतन और माही दोबारा उसी रात फूलपुर के लिए निकल गए। रास्ते में चलते हुए माही चेतन से बोली, चेतन, ये तो हमें पता चल गया कि परदादी का संबंध इसी गांव से था, लेकिन अभी खूनी वधू से उनका कोई लिंक समझ नहीं आया। ये सुनकर चेतन ने जवाब दिया, माही, जितना मैंने पास देखा था उसके अनुसार चित्रलेखा के समय खूनी वधू लावण्या जी थे। उसके बाद ही तो चित्रलेखा से स्वप्नलेखा की आत्मा जुड़ गई थी, तो लिंक तो था। तब माही भी बोली, लेकिन चेतन, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरह खूनी वधू के अंत का साधन ढूंढे। इस मामले में ये सारी बातें हमारे लिए व्यर्थ ही है। तब चेतन ने माही के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बिल्कुल प्यार भरे शब्दों में कहा, मुझे अब कोई चिंता नहीं है, अब हम साथ हैं तो वो भी पता कर ही लेंगे। माही चेतन की इस बात को सुन मुस्कुराने लगे और कुछ देर बाद वो दोनों घर पहुंच गए। रात काफी बीत चुकी थी। जब अगली सुबह एक बार फिर सभी आगे की योजना पर बात करने के लिए साथ आए, तब माही और चेतन ने अंबिकापुर में जो कुछ पता चला सब कुछ उन्हें बता दिया। काशी जी भी वो सारी बातें सुन हैरानी से बोले, ये सारी बातें तो शायद ही किसी को पता होगी, और इसी कारण से गुरुजी ने अपनी पत्नी को बचाकर रखने के लिए उनसे संबंधित ना कोई तस्वीर रखी और ना उनकी पहचान बाहर आने दी। तब एकाएक वीर सिंह ने भी वही बात दोहरा दी जो चिंता माही की थी। वो बड़ी गंभीरता से बोला, लेकिन पिताजी, इससे हमारी समस्या तो हल नहीं हो जाती। दद्दा जी और दादी का ब्याह कैसे हुआ ये जानने से बेहतर है कि हम ये जाने कि खूनी वधू के मामले में दादी जी का नाम क्यों आया। तब माही ने कहा, क्योंकि वो चित्रलेखा के समय में। कहते हुए माही अचानक रुक गई और कुछ सोचते हुए बोली, दादी की मौत चित्रलेखा के समय में हुई थी, तो चित्रा भी तो इस बारे में कुछ जानती होगी। मैं अभी के अभी उससे बात करने की कोशिश करती हूँ। कहते हुए माही ने तुरंत शेल्फ से चित्रलेखा किताब ली और अपने कमरे में चली गई। लेकिन बाकी सभी लोग अब भी किताबों वाले कमरे में बैठे हुए थे। तब चेतन और वीर सिंह को परेशान देख काशी जी उन दोनों को समझाते हुए बोले, अरे बच्चों, तुम ज्यादा परेशान ना हो, बस कोशिश करते रहो, हम सब वही कर रहे हैं। लेकिन चेतन, मुझे चित्रा से याद आया कि तुम्हें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। क्यों ना इसी बीच उसके मुक्ति का मार्ग भी ढूंढ ही ले, कुछ तो होगा जो कि चित्रा को भी इस आत्मा की योनि से मुक्त करा सके। दूसरी तरफ माही चित्रलेखा किताब के जरिए चित्रा को बुलाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही चित्रा वहां आई तो हमेशा की तरह चित्रलेखा किताब में शब्द भर आए।
माही ये देखकर तुरंत बोली, चित्रा मैं तुम्हें अनुमति देती हूँ, कृपया तुम मेरे शरीर को ग्रहण कर लो, मुझे तुमसे कुछ बातें जाननी है। ये सुनते ही चित्रा ने किताब के जरिए कहा, माही मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारे इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर सकती। शेखरन के किए प्रयोगों ने मुझे कमजोर कर दिया है, जो भी बातें करनी है हमें इसी तरह करना होगा। ये सुनकर माही थोड़ा परेशान हो गई, लेकिन फिर उसने कहा, ठीक है चित्रा, दरअसल मैं तुमसे हमारे दद्दा जी अरुणोदय सिंह की पत्नी लावण्या के बारे में जानना चाहती हूँ। तब चित्रा ने किताब के जरिए उत्तर देते हुए कहा, लावण्या जी मेरे मित्र अरुणोदय जी की पत्नी थी, मैंने उन्हें बचपन से देखा था, वो अक्सर मुझसे पाल भैरव मंदिर में ही मिलती थी, फिर बाद में उनका विवाह अरुणोदय से हुआ, उसके बाद मुझे नगरश्री बना दिया गया था, फिर उनसे कभी मिलना ही नहीं हुआ, और जब स्वप्नलेखा मुझसे आकर जुड़ी तब मुझे पता चला कि मुझसे पहले वही खूनी वधु थी, मैं भी इतना ही जानती हूँ। तब माही थोड़ा निराश होकर बोली, ठीक है चित्रा, लेकिन जो कुछ भी तुमने बताया उतना जानना काफी नहीं है, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर दादी जी कैसे खूनी वधु बन गई, क्योंकि खूनी वधु के आरंभ में ही उसका अंत है, और बार बार लावण्य दादी का नाम आना ये साफ कर रहा है कि उन्हीं के सहारे हमें खूनी वधु के अंत का मार्ग मिल सकेगा। तब चित्रा दोबारा बोली, माफ करना माही, मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर पाई। इसके बाद माही ने चित्रलेखा किताब बंद कर दी और परेशान होकर कमरे में टहलने लगी। तभी चेतन भी ठीक उसी तरह का मूड लेकर कमरे में दाखिल हुआ, तो माही उसे देखकर समझ गई कि चेतन भी परेशान है। कुछ देर चेतन शांत बैठा रहा और फिर माही की ओर देखकर बोला, माही क्या चित्रा से बात हुई? तब माही ने भी मायूसी भरी आवाज में जवाब देते हुए कहा, लेकिन जहां से हमने शुरू किया विषय वहीं का वही है, उसे भी कुछ खास नहीं पता। तब चेतन बोला, इस तरह तो हम लोग सिर्फ सोचते रह जाएंगे, और वहां खूनी वधु फिर किसी की जान ले लेगी, कई लोग उसके डर से गांव छोड़कर जाने लगे हैं, इस तरह चलता रहा तो जल्दी ही ये पूरा गांव खाली हो जाएगा। चेतन समस्या का समाधान करने की क्षमता तो रखता था, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई क्लू उसके पास नहीं था जो उसे इस समस्या की जड़ तक पहुंचा सके। तब माही चेतन को शांत करते हुए बोली, चेतन इस तरह निराश होने से हल नहीं निकलने वाला, मेरे पास एक सलाह है, यदि तुम मानो तो। तब चेतन माही पर चिढ़ते हुए बोला, तो माही जल्दी बताओ किसका वेट कर रही हो? तब चेतन से नजरें चुराते हुए माही बोली, कालदूत, तुम्हें कालदूत से दोबारा इस बारे में बात करनी चाहिए। ये सुनते ही चेतन तुरंत बोला, पर माही वो पहले ही। कहते ही चेतन रुका ही था कि माही दोबारा बोली, हाँ पता है कि वो मदद करने से मना कर चुका है, लेकिन मैंने सिर्फ सलाह लेने को कहा है, और वैसे भी बड़े से बड़े नायक को एक सलाहकार की जरूरत होती ही है, अगर वो साथ नहीं आता है तो ना आए, लेकिन तुम्हारी परेशानी सुन तो सकता है। वैसे भी जहां तक मुझे याद है वो इसलिए तो यहाँ है कि जब तुम कहीं फंस जाओ तो तुम्हें सही सलाह दे। ये सुनते ही चेतन अपनी जगह से उठते हुए बोला, तो ठीक है, मैं आज रात ही उससे मिलूंगा। क्या कालदूत चेतन की मदद करेगा या चेतन अकेला ही इस समस्या का सामना करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। चेतन कालदूत से मिलने का मन बना चुका था, लेकिन उसे लग रहा था कि कालदूत मदद करने से मना कर सकता है। वो अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों से छत पर जा पहुंचा और वहीं टहलते हुए कालदूत को याद किया। कुछ पल के इंतजार के बाद अपने पुराने कमरे के भीतर से उसे कालदूत की आवाज सुनाई पड़ी, बंधु यहाँ हूँ मैं। जैसे चेतन ने उसकी आवाज सुनी वो भी कमरे में जा पहुंचा। चेतन कमरे में पहुंचकर चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। तब कालदूत बेड पर लेटे लेटे ही बोला, तो बताओ दोस्त इतनी रात को बुलाने की खास वजह? इस सवाल के जवाब में चेतन ने कहा, हाँ कालदूत वजह है। ये सुन कालदूत दोबारा बोला, तो बताओ मित्र ऐसा क्या हुआ है जो तुम सुबह तक भी इंतजार नहीं कर सके? तब चेतन बिल्कुल गंभीर स्वर में बोला,
मैं एक जगह फंस गया हूँ और अब समझ नहीं पा रहा कि उसका सलूशन क्या है। ये कहकर चेतन शांत हुआ तो कालदूत फिर बोला, बोलते जाओ दोस्त, मैं सुन रहा हूँ। तब चेतन ने अपनी बात कहना शुरू किया और कालदूत के पास बैठकर बोला, मैंने लावण्या दादी जी के बारे में कुछ बातें पता लगा ली है और ये भी जान गया हूँ कि किस तरह वो एक दूसरे गांव से इस गांव में आ गई। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि यदि लावण्या दादी पहली खूनी वधु थी भी तो खूनी वधु के खत्म होने में दादी जी की क्या भूमिका है। बस इसी बात को जानने के लिए मुझे स्वप्नलेखा के खूनी वधु बन जाने की कहानी को जानना है। उसके लिए मुझे पास्ट में जाना होगा और पास्ट में जाना तुम्हारे बगैर मुमकिन नहीं है। कालदूत चेतन की इस बात को सुनकर उसके पास बैठते हुए बोला, देखो मित्र, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं जितनी तुम्हारी मदद अब तक कर सकता था मैं कर चुका हूँ। मुझे दोबारा केवल इसी शर्त के अनुसार भेजा गया है कि मैं सिर्फ समय चक्र पर अपनी नजर बनाए रखूं और उसे बिगड़ने से बचा सकूं। इसलिए मुझे माफ करना बंधु, मैं तुम्हें समय यात्रा नहीं करा सकता। ये सुनते ही चेतन का चेहरा हल्का सा उतर गया और वो धीरे से बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि ये काम मेरी ही जिम्मेदारी है, मैं कुछ ना कुछ हल निकाल लूंगा। शुक्रिया इतनी रात को मेरे कारण यहाँ आने के लिए। इतना कहकर चेतन सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। तब कालदूत दोबारा बोला, मुझे पता है तुम मेरे जवाब से निराश हुए हो, लेकिन मैंने ये कहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ये नहीं कहा कि तुम्हें खुद की मदद करने के लिए सही राय भी नहीं दे सकता। ये सुनकर चेतन झटके से कालदूत की ओर मुड़कर बोला, मतलब कैसी सलाह, साफ साफ बताओ। तब कालदूत चेतन के पास आया और उसके गले में हाथ डालकर उसके साथ छत पर टहलते हुए बोला, देखो चेतन, सबसे पहले तो मुझे माफ कर देना कि मैं चांदनी के अंतिम क्रियाकर्म में तुम्हारे साथ नहीं था। उसके जाने का मुझे बहुत दुख है, लेकिन एक बात शायद तुम सोच ही नहीं पाए, जब तुम्हारी शादी माही से हुई तब तुम में कुछ बदलाव भी हुए हैं। चेतन को कालदूत की बातें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रही थी। चेतन यही सोचकर कालदूत से बोला, कालदूत तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और तुम पता नहीं क्यों मेरी बात लेकर बैठ गए। तब कालदूत भी तुरंत बोला, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और मैं जो कह रहा हूँ पहले उसका जवाब दो, क्या तुम्हें खुद में कुछ महसूस हुआ। तब चेतन ने मुंह बनाकर कहा, नहीं कालदूत, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कालदूत ने जवाब में कहा, अब जो मैं कहूंगा शायद उसके बाद तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये सुन चेतन तुरंत बोला, क्यों पहेलियां बुझा रहे हो, बोल क्यों नहीं देते। तब कालदूत एक पल को मुस्कुराया और फिर बोला, भविष्यवाणी पूरी हो गई है, तुम और माही एक साथ हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर मौजूद शक्ति चक्र जागृत हो गया है, तो फिर अब तुम्हें मेरी मदद की क्या आवश्यकता। ये सुनकर चेतन के होश उड़ गए और हकलाती सी आवाज में बोला, शक्ति चक्र, अरे हाँ, इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था, लेकिन कालदूत मुझे इसके बारे में कुछ महसूस नहीं हुआ। ये सुन कालदूत ने मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी, जब जरूरत होगी तब चक्र खुद ब खुद तुम्हारी मदद करेगा, बस तुम्हें ध्यान लगाने की आवश्यकता है। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें समय यात्रा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चेतन कालदूत की बात सुनकर हैरान था, वो कुछ और कालदूत से पूछता उससे पहले ही कालदूत वहां से गायब हो गया और चेतन शक्ति चक्र के बारे में सोचते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अगली सुबह जब चेतन देर से जागा और जैसे ही उसकी आंख खुली तो पाया माही अपने हाथ में चाय का कप लिए खड़ी है। चेतन उसे देख मुस्कुराते हुए बोला, तुमने तो पुरानी यादें ताजा कर दी, याद है जब मैं यहाँ आया था और जब हमारे प्यार की शुरुआत हुई थी, तब भी तुम इसी तरह मुझे चाय देने आती थी। ये सुनकर माही एक पल को मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल चेतन को प्यार भरे अंदाज में डांटते हुए बोली, इतना टाइम लगा दिया जागने में, घड़ी देखो 10 बज गए हैं, जल्दी करो, वैद काका जी आए हैं, पिताजी के साथ बैठे हैं, भैया भी वहीं हैं, और तुम हो कि अब तक सो रहे हो। ये सुन चेतन तुरंत उठते हुए बोला, मार्तंड काका जी यहाँ, मैं अभी जाता हूँ, सॉरी रात को कालदूत से देर तक बात होती रही इसलिए सुबह देर हो गई। कालदूत का नाम सुनते ही माही बोली, अच्छा तो क्या कुछ बात बनी। ये सुन चेतन ने हाँ में गर्दन हिला दी और कमरे के बाहर निकल गया। जैसे ही वो किताबों वाले कमरे में पहुंचा तो काशी जी के साथ मार्तंड जी और वीर सिंह बैठे हुए थे। चेतन ने उन्हें प्रणाम किया
और वीर सिंह के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। तब काशी जी बोले, चेतन मैंने वैद्य जी को हमारी मदद के लिए बुलाया है। हम लोगों ने अभी काफी बातों पर विचार किया, लेकिन फिलहाल तो कोई हल नहीं निकल सका, पर जल्दी ही निकलेगा। क्यों वैद्य जी, आप क्या कहते हैं? ये सुनते ही मार्तंड जी ने अपने बैग से कुछ ताम्र पत्र निकालकर उन्हें चेतन के सामने रखते हुए कहा, बेटे खूनी वधु के अंत के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन चित्रा की मुक्ति का मार्ग इन पत्रों से खुल सकता है। अब तक हमें लग रहा था कि सिर्फ तारक जल ही एकमात्र उपाय है, लेकिन ऐसे कई अमृत है, कहाँ है पता नहीं, लेकिन इनकी खोज की जा सकती है। ये सारी बातें सुन वीर सिंह मार्तंडे जी की बात को बीच में ही काटते हुए बोला, लेकिन अभी मुद्दा चित्रा नहीं खूनी वधु स्वप्ने लेखा है। तभी चेतन ने वीर सिंह के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए कहा, वीर सिंह हम उसका भी पता लगा लेंगे। ये सुन सब हैरानी से उसे देखने लगे। तभी चेतन ने कहा, हाँ पिताजी, हम सभी लोग शक्ति चक्र के बारे में भूल गए थे, जिसके बारे में मुझे कालदूत ने याद दिलाया। माही और मेरी शादी होते ही भविष्यवाणी तो पूरी हो गई, इसका मतलब शक्ति चक्र जागृत हो गया है। ये सुनते ही सभी लोग खुश हो गए। लेकिन तभी चेतन दोबारा बोला, लेकिन एक दिक्कत है, मुझे नहीं पता कि ये किस तरह काम करेगा, कौन सी पावर मुझे मिलेगी और उनका इस्तेमाल कैसे होगा। तब काशी जी भी इसी बात पर चिंता व्यक्त करते हुए बोले, क्या कह रहे हो चेतन, कालदूत ने इसके बारे में तुम्हारी मदद नहीं की? इसके जवाब में चेतन ने ना में गर्दन हिला दी और उसी समय अपनी कुर्सी छोड़ते हुए बोला, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई तरीका जरूर निकल आएगा। आप लोग चित्रा के बारे में सोचिए और मैं खूनी वधु के बारे में सोचता हूँ। एक को हम सम्मान के साथ मुक्त करेंगे और दूसरी का अंत करेंगे। इतना कहकर चेतन सीधे वहां से अपने कमरे में चला आया, साथ ही माही भी उसके पीछे पीछे आ गई। चेतन ने कुछ तस्वीरें और एक दो पुरानी किताबें उठाई और छत पर स्थित कमरे की ओर जाने के लिए दरवाजे तक कदम बढ़ाए तो माही उसे रोकते हुए बोली, बात क्या है चेतन, तुम कहाँ जा रहे हो, वो भी ये सब लेकर? तब चेतन माही की ओर देखकर बोला, माही मुझे किसी भी तरह अपनी शक्ति की पहचान करनी होगी। अगर अतीत के राज जानना है तो अपने अंदर के शक्ति चक्र को जागृत करना होगा और वो ध्यान लगाए बिना नहीं हो सकता, इसलिए मैं कुछ समय एकांत में रहना चाहता हूँ। ये सुनकर माही शांत खड़ी रही, वो चेतन को बड़ी अजीब तरीके से देख रही थी। ये देख चेतन ने सारा सामान दरवाजे के पास स्थित टेबल पर रखा और माही के पास आकर धीरे से बोला, क्या हुआ माही, तुम इस तरह से क्यों देख रही हो? तो जवाब में माही ने मुंह मोड़ते हुए उत्तर दिया, कुछ नहीं चेतन, मुझे पता है कि शायद ये समय इन सब बातों का नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी तुमसे कहना है कि आखिर ये सब कब खत्म होगा। हाँ माना कि चांदनी को गए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन ये सच है कि उसकी मर्जी से हमने शादी की है, पर फिर भी एक पल हमने एक दूसरे को नहीं दिया। ये सुन चेतन माही के पास आकर बोला, मैं जानता हूँ जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, जैसे ये सब खत्म होगा हम सुकून से जिएंगे, लेकिन तब तक हमें रुकना होगा। कहते हुए चेतन छत की ओर चल पड़ा। कमरे में पहुंचकर चेतन ने सारे सामान को फैलाया और हर एक किताब में शक्ति चक्र से जुड़ी जानकारी को ढूंढने लगा। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिला। तब आखिर में चेतन खुद से परेशान होकर बोला, आखिर ये शक्ति चक्र कैसे काम करेगा, कहीं पर भी कोई जानकारी नहीं है, ये मुझ में है भी या नहीं। कहते हुए उसने सारी किताबें गुस्से में बंद की और बगल में पटक दी और बिस्तर पर लेट गया और अरुणोदय सिंह के साथ लावण्या जी की तस्वीर को देखते हुए बोला, मुझे सिर्फ आप लोगों के बारे में उतनी ही जानकारी मिल जाए जितना मेरे लिए जरूरी है तो मेरा काम हो जाएगा, वैसे भी मुझे पूरा अतीत नहीं देखना। ये सोचते हुए चेतन ने वो तस्वीर अपने बगल में रख दी और आंख बंद करके लेट गया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ उस तस्वीर पर पड़ा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे ऐसा लगा कि वो ऊंचाई से गिर रहा है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन तभी सब कुछ शांत हो गया। चेतन को समझ नहीं आया कि वो कहां पहुंच गया है। वो यहां वहां देखते हुए खुद से बोला, ये मैं कहां आ गया, और यहां इतना अंधेरा क्यों है। वो ये सोच ही रहा था कि तभी एक बार फिर उसने खुद को एक जगह से दूसरी जगह जाता हुआ महसूस किया और फिर उसने खुद को एकांत सड़क पर पाया जहां एक घर में आग लगी हुई थी और किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। दूसरी तरफ उस घर की ओर दौड़ती भीड़ उसे दिखाई पड़ी। ये सब देखते हुए उसने एक बार फिर अपने आप से सवाल किया,
आखिर ये हो क्या रहा है? कौन सी जगह है ये? वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक तेज झटके के साथ उसकी आंखें खुल गई। वो घबराते हुए उठकर बैठ गया और अपने माथे और चेहरे से पसीना पोंछते हुए बोला, ये कैसा अजीब सा सपना था? और वो जगह कौन सी थी? कहते हुए चेतन उठ खड़ा हुआ, माथे पर हाथ रखते हुए यहां वहां टहलने लगा। जैसे उसका मन शांत हुआ वो खुद से बोला, जो भी था सपना तो बिल्कुल भी नहीं था, मुझे तुरंत कालदूत को बुलाना चाहिए। ये सोचकर चेतन ने मन ही मन कालदूत को याद किया और अगले ही पल कालदूत वहां आ पहुंचा। कालदूत को देख चेतन बहुत ज्यादा उत्साहित होकर बोला, सॉरी कालदूत तुम्हें परेशान करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैंने ऐसा कुछ देखा जैसा कि पहले देखा, मतलब पहले कभी नहीं देखा। ओ ये मैं क्या कह रहा हूं? तब कालदूत ने चेतन को शांत करते हुए कहा, पहले शांत हो जाओ बंधु और गहरी सांस लो और फिर बताओ कि हुआ क्या। तब चेतन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं किताब में शक्ति चक्र के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, और फिर मैंने थककर आंखें बंद की और फिर अचानक। इतना कहते हुए जो कुछ भी चेतन ने देखा वो सारी बातें और दृश्य कालदूत को सुना दिए। सारी बात सुन लेने के बाद कालदूत मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था चेतन कि अब तुम्हें मेरी जरूरत महसूस नहीं होगी। ये सुन चेतन तुरंत हैरानी से बोला, तुम्हारा कहने का मतलब है कि? तब कालदूत मुस्कुराकर बोला, हाँ चेतन तुम सही समझे, जो कुछ भी तुमने देखा वो तुम्हारी इच्छा से देखा, इसका मतलब है कि तुमने अपना शक्ति चक्र जागृत कर लिया है और जो भी दृश्य तुमने देखे वो सारे के सारे दृश्य किसी अतीत के थे। तब चेतन हैरान होकर कालदूत से बोला, तो क्या इसका मतलब मैं वो सब कुछ जान सकता हूँ जो खूनी वधु के अंत के लिए जरूरी है? ये सुनते ही कालदूत ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। क्या चेतन जागृत हुई शक्ति चक्र के जरिए अतीत के रहस्य को देख पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। जैसे ही चेतन ने कालदूत से शक्ति चक्र के बारे में सुना तो वो खुश होकर बोला, मैं दोबारा वही पास देखने की कोशिश करता हूँ, तुम यहीं रुकना कहीं जाना नहीं। कहते हुए उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद की और कुछ पुरानी बातें याद करने लगा, लेकिन इस बार उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तब वो आंख खोलकर खुद से बात करते हुए बोला, लगता है कोई गड़बड़ हुई होगी, मुझे फिर कोशिश करनी चाहिए। सोचकर चेतन ने वापस अपनी आंखें बंद की और पास्ट की कुछ घटनाओं के बारे में सोचने लगा, लेकिन इस बार भी बात नहीं बनी। तब चेतन मायूसी के साथ आंखें खोलते हुए कालदूत को देखने लगा तो कालदूत उसका मायूस चेहरा देख मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ नहीं दिखाना कुछ? इस बात के जवाब में चेतन ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ जो मैंने पहली बार देखा था फिर वो क्या था, कहीं तुमने तो कुछ? कहते हुए चेतन रुक कर कालदूत की ओर प्रश्नात्मक शैली से देखने लगा। तब उससे थोड़ी दूर रखी दूसरी कुर्सी पर बैठा कालदूत उठ खड़ा हुआ और चेतन के बिल्कुल पास आकर बैठ गया और उसे समझाते हुए बोला, नहीं चेतन वो जो कुछ तुमने देखा वो सब तुम्हारी शक्तियों का हिस्सा है और अभी तुम इसलिए कुछ नहीं देख पाए क्योंकि तुम उन शक्तियों पर काबू नहीं कर पा रहे हो। चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, फोकस करो और फिर देखना तुम्हारा दिमाग किसी भी चीज का इतिहास जानने में तुम्हारी कितनी मदद करेगा। कहते हुए कालदूत उठ खड़ा हुआ। तब चेतन उसे देखते हुए बोला, कालदूत तुमने कहा शक्तियां, तो क्या मेरे पास इसके अलावा भी और पावर्स हैं? इस पर कालदूत मुस्कुराते हुए बोला, क्या पता हो भी या ना भी हो, रिमेम्बर फोकस करते रहो। इतना कहते हुए कालदूत वहां से गायब हो गया। कालदूत के जाने के बाद चेतन एक बार फिर खुद को शांत करते हुए मन ही मन बोला, फोकस चेतन फोकस, कॉन्सेंट्रेट करो और सिर्फ वही देखो जो तुम्हें देखना है, दूसरे ख्यालों को दिमाग से निकाल दो। ये सोचते हुए चेतन ने पास ही पड़ी अरुणोदय और लावण्या जी की तस्वीर को देखा। तब उसे कुछ याद आया और वो चौंकते हुए बोला, अरे हाँ
जब मैं लेटा था तो मैं इनके बारे में सोच रहा था, तब मुझे वो फ्लैशबैक दिखे थे। इसका मतलब डेफिनेटली एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ये सोचकर चेतन ने एक बार फिर स्वप्नलेखा के उस चेहरे को याद करना शुरू किया जो उसे पास्ट में दिखाई दिया था। सोचते हुए उसने जैसे ही आंखें बंद की तो एक बार फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे लगा जैसे वो आसमान से सीधा जमीन पर गिर रहा हो। जैसे वो जमीन तक पहुंचा तो वो रुक गया, लेकिन अब भी उसके चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही था। वो जगह देखते हुए चेतन मन ही मन बोला, अरे वाह, इसका मतलब मैं खुद के दिमाग पर काबू पाने में कामयाब हो गया, क्योंकि ये जगह मैंने पहले भी देखी है। इतना कहते हुए जैसे ही उसने एक कदम चलने के लिए उठाया तभी उसे एक तेज खिंचाव महसूस हुआ और वो एक बार फिर उसी घर के सामने जा पहुंचा था जहां पिछले दृश्य में आग लग चुकी थी। चेतन उस घर को देखकर हैरानी से बोला, अरे ये तो वही घर है जहां आग लग चुकी थी, चलो चलकर देखता हूं। कहते हुए चेतन उस घर तक पहुंच गया। रात का समय था, पूरे घर के अलग अलग हिस्सों में उजाला करने के लिए लालटेन लटके हुए थे। जब चेतन ने खिड़की से झांक कर देखा तो पाया वहां एक लड़की कोने में बैठी रो रही थी और उसने एक बड़े से कपड़े के सहारे खुद को ढक रखा था और उस लड़की से थोड़ी दूरी पर एक आदमी गर्दन झुकाए बैठा था। चेतन उस आदमी को देखते हुए मन ही मन बोला, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है। कहते हुए चेतन उस आदमी के बारे में सोचने लगा। तभी वो आदमी जोर से चिल्लाया, अब बस कर स्वप्नलेखा, ये सब तेरी ही गलतियों का फल है। लोग जान गए हैं कि वो हत्याएं तूने की है। जैसे ही चेतन ने स्वप्नलेखा का नाम सुना तो वो चौंकते हुए बोला, ये तो स्वप्नलेखा के पिता है, तो इसका मतलब वो खुद को छिपाकर बैठी लड़की स्वप्नलेखा है। सोचते हुए चेतन आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। तब स्वप्नलेखा उसी तरह खुद को छिपाकर रोते हुए बोली, लेकिन पिताजी मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने किसी की जान ली है, ये सब उस श्राप के कारण हुआ है। तब स्वप्नलेखा के पिताजी दोबारा बोले, मुझे पता है, लेकिन गांव के लोग वो तुम्हें एक डायन चुड़ैल मान रहे हैं। ये सुनकर स्वप्नलेखा उठ खड़ी हुई और धीरे से बोली, तब तो इस सबको खत्म करने का बस एक ही तरीका है। कहते हुए उसने अपने शरीर पर ढके उस कपड़े को उतार फेंका। जैसे ही चेतन ने उसे देखा वो भी एक पल के लिए डर सा गया, क्योंकि स्वप्नलेखा का पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था उसके शरीर का मांस उसकी त्वचा छोड़ रही हो। तभी अचानक स्वप्नलेखा ने पास रखे लालटेन को जोर से अपनी साड़ी के पल्लू पर पटका तो वो साड़ी का पल्लू तेजी से जलने लगा, जिसे देख उसके पिताजी भी चीखते हुए बोले, नहीं बेटी, ऐसा कदम मत उठाओ। लेकिन वो नहीं रुकी और देखते ही देखते आग उसके पैर जलाने लगी। तब उसने चीखना शुरू किया। दूसरी तरफ भीड़ स्वप्नलेखा के खिलाफ चिल्लाते हुए हाथ में मशाल लेकर उसके घर की ओर बढ़ रही थी। उन्होंने घर से उठता हुआ धुआं देखा तब पूरी भीड़ उस घर की ओर दौड़ने लगी। चेतन हैरानी से पूरा दृश्य देख रहा था। उधर स्वप्नलेखा चीखते हुए अपने पिता को बाहर जाने के लिए कह रही थी, लेकिन उसके पिताजी रोते हुए बोले, नहीं बेटी, अगर मेरी भी मृत्यु आनी है तो अब इसी तरह आएगी, वरना मैं बच भी गया तो ये सोचकर मर जाऊंगा कि एक पिता अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। उन्होंने ये कहकर एक दूसरा लालटेन उठाया और पूरे घर में आग लगा दी। तब स्वप्नलेखा चीखते हुए बोली, ये मेरा श्राप आपकी मौत का कारण बन गया, लेकिन मैं जानती हूँ मैं लौटूंगी, तब शायद कोई भी नहीं बचेगा। इतना कहते ही वो पूरी तरह जलकर जमीन पर गिर गई और उसके हाथ से टकरा के एक धातु की फ्रेम में लगा एक आईना उसके पास आकर गिर गया। तब चेतन ने देखा कि उसकी एक चीख के साथ उसकी आत्मा शरीर छोड़कर उस आईने में समा गई। हैरान चेतन ये देख जैसे ही उस घर के मुख्य द्वार की ओर चलने की कोशिश में था तभी उसके कदम रुक गए और फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसकी आंखें झटके से खुल गई। जैसे उसने अपने आसपास देखा तो पाया कि वो अपने कमरे में लेटा हुआ था और माही समेत सभी लोग उसके आसपास बैठे हुए थे। ये देख चेतन हैरानी से सभी को देखते हुए बोला, क्या हुआ, आप सभी लोग इस तरह यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो ऊपर वाले कमरे में था। तब वीर सिंह चेतन के पास बैठते हुए बोला, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया चेतन। तब हैरानी के साथ चेतन उठकर बैठते हुए बोला, लेकर आया मतलब मुझे क्या हुआ था? इसका जवाब माही ने दिया। वो बोली,
तुम रात को जमीन पर पड़े हुए थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, उन्हें कोई बचाओ, उन्हें कोई बचाओ। हमें लगा तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, इसलिए हमने तुम्हें जगाने की बहुत कोशिशें भी की, फिर भी तुम जागे नहीं। तब चेतन ने सारी बातें सुनी तो वो बंद आंखों से देखे वो सारे दृश्य उसे याद आने लगे कि किस तरह स्वप्नलेखा की आत्मा एक आईने में कैद हो गई थी। ये सोचते हुए चेतन एक पल के लिए सन्न बैठा रहा। तब माही दोबारा उसे छूते हुए बोली, अब तुम्हें क्या हो गया? तब चेतन धीरे से बोला, कुछ नहीं। इतना कहते हुए चेतन दोबारा बोला, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं। जिस शक्ति चक्र की बात मैंने की थी, ये सब उसी का असर था। वो शक्ति फिलहाल मेरे वश में नहीं है, लगता है इसी के कारण ऐसा हुआ होगा। ये सुनते ही सभी लोग निश्चिंत हो गए। तभी काशी जी खुश होकर बोले, मुझे नहीं लगा था कि वाकई चेतन को माही से मिलने वाले शक्ति चक्र की बात सच होगी। खैर, तुम्हें उस हालत में देखकर हम तो घबरा गए थे। ईश्वर का धन्यवाद, अब सभी समस्याएं हल हो जाएगी। जैसे ही काशी जी शांत हुए तब चेतन बोला, पापा मुझे चल। कहते हुए चेतन पूरी बात नहीं कह सका, क्योंकि तभी वीर सिंह ने बीच से ही उसकी बात काटते हुए बड़े उत्साह के साथ उससे पूछा, तो चेतन पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें और कौन सी शक्तियां मिली हैं? चेतन ने तुरंत ही कहा, नहीं अभी तो बस यही शक्ति है कि। इस बार भी चेतन वीर सिंह को बता ही रहा था कि तभी गोमती ने कमरे के दरवाजे से आवाज लगाई, पिताजी सरपंच जी आए हुए हैं, आपको चेतन भैया और वीर सिंह जी से बात करना चाहते हैं। जैसे ही सभी ने सुना तो काशी जी परेशान होकर बोले, सरपंच जी, वो भी सुबह सुबह यहाँ, अब क्या हो गया? ठीक है, उन्हें बैठक में बिठाइए, हम आते हैं। ये सुनते ही गोमती बाहर चली गई और काशी जी तुरंत चेतन की ओर देखकर बोले, तुम यही रुको चेतन, हम लोग देखते हैं, चलो वीर सिंह। इसके बाद वो लोग बाहर चले गए और चेतन वही कमरे में बैठा रहा। तब काशी जी, वीर सिंह और मार्तंड जी बैठक वाले कमरे में पहुंचे तो पाया वहां गांव के कुछ लोगों के साथ सरपंच जी बैठे थे। काशी जी ने उन्हें देख हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते आप सभी को, कहिए सरपंच जी कैसे आना हुआ? तब सरपंच कुछ ना बोले और अपने बगल में बैठे उप सरपंच को देखने लगे। तब उप सरपंच बोला, देखिए वीर सिंह भैया और काशी जी, हम आपकी समस्या बढ़ाना तो नहीं चाहते, लेकिन आपको ये बताना भी जरूरी है कि पिछली रात से गांव का एक और आदमी गायब है। हम बस यही पूछने आए हैं कि आप लोग कहां तक पहुंचे। तब काशी जी हैरान होकर बोले, क्या कहा, कोई गायब है? मरने की कोई खबर? कहते हुए जैसे ही काशी जी रुके तब दूसरा आदमी बोला, नहीं अब तक तो नहीं, लेकिन जिस तरह के हालात है आप तो जानते ही हैं। तब वीर सिंह बीच से उनकी बात का जवाब देते हुए बोला, देखिए आप तो जानते हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खूनी वधू को पकड़ पाना कितना मुश्किल है ये आप भी जानते हैं, पर हम उसके बहुत करीब हैं। ये सुनकर अब की बात सरपंच जी बोले, वीर सिंह पहले जो कुछ हमारे बीच हुआ वो बात एक और है, लेकिन अब सवाल गांव का है और ये समस्या कई सालों से है, लोग हमेशा से मरते रहे हैं, लेकिन सच कहूं तो चेतन और आप लोगों के दखल के बाद से हालात बदतर हो रहे हैं, लोगों के मरने की संख्या बढ़ती ही जा रही है और आप तो जानते ही हैं कि कई लोग गांव छोड़ चुके हैं, इसलिए हम सभी ने आपसी सहमति से फैसला किया है कि अब आप लोग कुछ ना करें, हम किसी सिद्ध तांत्रिक को बुलाएंगे और सीधे उस भूतनी का अंत करवा देंगे। कहते हुए सरपंच जी समेत सभी लोग उठ खड़े हुए और जैसे ही वो बैठक के दरवाजे से बाहर निकले तो चेतन अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। उसे देख सरपंच बोले, माफ करना वीर सिंह, ये काम तो सालों पहले हो जाता अगर तुम्हारे मेहमान ने टांग ना अड़ाई होती। इतना कहकर सभी लोग वहां से बाहर चले गए। ये सुनते ही चेतन दोबारा कमरे में चला गया और मन ही मन खुद से बोला, आज रात किसी भी तरह मुझे उस सच को जानना है कि आखिर स्वप्नलेखा कैसे लावण्य दादी जी तक पहुंची। ये सोचते हुए चेतन किसी भी तरह दिन गुजरने का इंतजार करने लगा। जहां एक तरफ वीर सिंह और काशी जी समेत मार्तंड जी सरपंच की बात से परेशान थे, वहीं चेतन अपने ही विचारों के साथ जूझ रहा था। जैसे ही शाम हुई वो तुरंत माही से बोला, माही आज रात मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि कुछ और बातें हमें पता चल सके, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो, यदि कोई गड़बड़ होती है तो तुम मुझे जगा देना। इस बात के जवाब में माही ने हां में सिर हिला दिया।
चेतन और माही दोनों शाम के खाने के बाद छत वाले कमरे में पहुंच गए। चेतन ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, वहीं माही कमरे के बाहर छत पर टहल रही थी। माही ने खिड़की से देखा तो चेतन आंखें बंद कर लेटा हुआ था। तब माही छत पर टहलते हुए बाउंड्री वॉल तक चली आई और मन ही मन कुछ सोचने लगे। सामने खंभे पर लगा बल्ब पूरी सड़क के कुछ ही हिस्से तक अपनी रोशनी फैला रहा था। अचानक उसे खंभे के नीचे एक आदमी पर माही की नजर गई। वो आदमी माही को बड़ी अजीब तरीके से देख रहा था। माही ने एक पल को उससे नजरें हटाते हुए खुद से कहा, बड़ा ही अजीब आदमी है, इतनी रात को हमारे घर के सामने क्या कर रहा है। कहते हुए माही दूसरी ओर देखने लगी। कुछ देर बाद जब माही ने दोबारा उसे देखा तो पाया वो अब भी माही को बस घूर ही जा रहा था। अब माही को गुस्सा आ गया। वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, ए, ऐसे क्या देख रहा है, चल निकल यहां से। लेकिन माही की डांट का उस पर कोई असर नहीं हुआ। तब उसे तेज गुस्सा आ गया और वो दांत पीसते हुए बोली, रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। कहते हुए जैसे माही घर से बाहर आकर मेन डोर तक पहुंची तो आदमी वहां था ही नहीं। आखिर कौन था वो आदमी और अचानक कहां चला गया? दूसरी ओर चेतन कैसे आगे की कहानी जान सकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधु सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। घर में डोर पर खड़ी माही कंफ्यूज हो गई और यहां वहां देखते हुए धीरे से बुदबुदाई, अरे कहां चला गया वो आदमी, अभी तो यही था, अभी के अभी कहां चला गया। ये सोचते हुए माही कुछ कदम चलकर यहां वहां देखने लगी। घर से थोड़ी दूरी पर एक अंधेरी गली थी। माही उस गली की ओर देखते हुए बोली, ओह तो वहां छपा हुआ है, अभी देखती हूँ। सोचते हुए माही ने अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उसे पीछे से आवाज सुनाई पड़ी, माही। ये आवाज सुनते ही माही घबरा गई और पीछे मुड़कर देखा तो मेन डोर पर वीर सिंह खड़ा हुआ था। वो भी घर के बाहर आते हुए बोला, कहाँ जा रही हो तुम इतनी रात को माही? तब माही ने उस अंधेरी गली की ओर देखते हुए जवाब दिया, कहीं जा नहीं रही थी भैया, वहां एक आदमी था, वो बड़ी अजीब तरीके से देख रहा था, मैं तो बस। तब वीर सिंह माही को डांटते हुए बोला, तुम्हें इस तरह अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, पता है ना खतरा हो सकता है, अगर कोई था भी तो हम में से किसी को जगा दिया होता, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें बाहर जाते देख लिया, अब चलो मेरे साथ घर में आओ। ये सुनकर माही दोबारा घर की ओर जाने लगी। जैसे एक बार फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे उस गली के बाहर परछाई नजर आई, लेकिन इस बार माही ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। माही सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए बोली, सॉरी भैया मैं ध्यान रखूंगी, मैं चेतन के पास जा रही हूँ, आप सो जाइए। तब कमरे के दरवाजे पर खड़ा वीर सिंह माही को समझाते हुए बोला, देखो इस तरह अब दोबारा बाहर मत जाना, खूनी वधु ने पिताजी पर भी इसी तरह हमला किया था और मुझे तो शक है कि वो तुम्हें भी किसी तरह हमारे घर के रक्षा घेरे से बाहर ले जाना चाहती थी, अगर मैं समय पर ना आया होता तो तुम उसके जाल में फंस जाती, अब जाओ और ध्यान रखना। कहते हुए वीर सिंह अपने कमरे में चला गया और माही एक बार फिर छत पर पहुंच गई। जैसे उसने छत से गली की ओर देखा तो अब वहां कोई नहीं था। तब वो लंबी गहरी सांस लेते हुए खुद से बोली, क्या सच में ये खूनी वधु थे? अगर ऐसा है तो थैंक गॉड भैया ने समय पर बचा लिया मुझे। ये सोचकर माही दोबारा छत पर स्थित उसी कमरे में लौट आई जहाँ चेतन आंखें बंद करके लेटा हुआ अतीत को देखने की कोशिश कर रहा था। इस बार भी चेतन को अतीत के उन सारे दृश्यों तक पहुंचने में काफी देर लगी, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी शक्ति पर काबू पाना सीख रहा था। काफी देर की मशक्कत के बाद जैसे ही चेतन ने स्वप्नलेखा के उस आईने को याद किया तो ठीक पहले की तरह चेतन इस बार भी अंधेरे से होता हुआ पुराने समय के किसी गांव में पहुंच गया। ये जगह दिखने में ठीक वैसी ही थी जहां स्वप्नलेखा का घर था, लेकिन अंतर सिर्फ इतना था कि बड़े घर की जगह अब एक छोटे झोपड़े ने ले ली थी, घास फूस की बनी छत और कमजोर खिड़की दरवाजे। चेतन उस झोपड़ी को देखकर और फिर आसपास देखते हुए मन ही मन बोला, ये जगह तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है, ये वही जगह है जहां स्वप्नलेखा का घर था, मुझे याद है यहाँ कई सारे घर थे, बाकी घर कहाँ गए, यहाँ तो सिर्फ यही घर शेष रह गया है। वो आसपास देखते हुए मन ही मन विचार कर रहा था कि तभी उस घर से दो औरतों के बात करने की आवाज सुनाई पड़ी। चेतन मुख्य दरवाजे को छोड़कर घर के पीछे वाले हिस्से में चला आया
और वहां स्थित एक छोटी सी खिड़की के सहारे घर के भीतर देखने की कोशिश करने लगा। जैसे उसने घर के भीतर देखा तो पाया कि सामने की दीवार पर वही आईना टंगा हुआ था जिसमें आखिरी बार स्वप्नलेखा की आत्मा समा गई थी। चेतन उस आईने को देखकर मन ही मन बड़बड़ाया, क्या ये तो वही आईना है जिसमें स्वप्नलेखा की आत्मा कैद हो गई, पर ये यहाँ कैसे, आखिर किसका घर है ये? चेतन ये सोच ही रहा था कि तभी एक लड़की उस आईने के सामने आकर खड़ी हो गई और कुछ पल बस खुद को देखती ही रही। चेतन उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था। चेतन ने मन ही मन खुद से बात करते हुए कहा, मैं इस तरह छिपकर क्यों देख रहा हूँ, कोई मुझे देख नहीं सकता, ये सिर्फ एक याद है। चेतन भागते हुए मुख्य दरवाजे पर पहुंचा और उस दरवाजे से अंदर चला गया। तभी उसने देखा एक महिला चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी। चेतन उसे नहीं पहचानता था। वो उसे देखते हुए बोला, ये महिला कौन है, इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, और वो लड़की वो कहां गई? चेतन ये सोच ही रहा था कि तभी दूसरे कमरे से आवाज सुनाई पड़ी, माँ हमारा मन नहीं मान रहा, हम ये काम नहीं करना चाहते। ये सुनते ही वो औरत दूसरे कमरे के बंद दरवाजे के पास जाकर मायूसी और डर से भरी आवाज में बोली, तो बेटा अब हम क्या करेंगे, वो बड़े लोग हैं, अगर उनकी बात ना मानी तो वो हमें मार डालेंगे। चेतन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी वो बड़बड़ाते हुए बोला, आखिर कौन है वो लोग जिनसे ये दोनों महिलाएं डरी हुई हैं? जैसे ही चेतन ने ये कहा तो अचानक ही वो क्षण रुक गया और चेतन दरवाजे से बाहर की ओर खींचा चला जाने लगा। घर के बाहर होते ही चेतन की आंखों के सामने अंधकार छा गया और अगले ही पल वो एक सड़क पर खड़ा था जहां से तीन लोग चले आ रहे थे। एक आदमी आगे और दो उसके पीछे चल रहे थे। तभी वो आगे चलता आदमी जोर से चिल्लाते हुए बोला, और कितनी दूर है उस लड़की का घर? तभी पीछे चलते एक आदमी ने जवाब देते हुए कहा, छोटे मालिक बस पास में ही है, लेकिन फिर सोच लीजिए, वो लड़की साथ आने से मना कर चुकी है, कहती है वो अब ये काम नहीं करेगी। तब आगे चलता आदमी बड़े जी रसूख से बोला, खामोश, ऐसी कई अड़ियल लड़कियों को हम पहले भी सबक सिखा चुके हैं, हम मोहित हो गए हैं उसकी सुंदरता पर, और फिर वो जो दाम बोलेगी हम उसे दे देंगे। तब दूसरा आदमी बोला, पर मालिक अगर वो तब भी ना मानी तो? तब वो आगे चलता आदमी हंसते हुए बोला, मानेगी क्यों नहीं, आबरू का सौदा करना यही तो उसका पेशा है, और यदि फिर भी ना मानी तो जबरदस्ती उसे उठाकर ले जाएंगे। उस आदमी की बात सुन चेतन पूरा मामला समझ चुका था। वो ये बातें सुनते ही मन ही मन बोला, ओह तो इसका मतलब वो लड़की लावण्या दादी जी थी, मतलब दद्दा जी और हर्षवर्धन भी आसपास ही होंगे। जैसे चेतन ने अरुणोदय और हर्षवर्धन के बारे में सोचा, एक बार फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही पल में वो सड़क किनारे खड़े अरुणोदय और हर्षवर्धन के सामने जा पहुंचा। अब तक सूरज पूरी तरह से ढल चुका था और अंधेरा छाने लगा था। उन दोनों को देख चेतन मन ही मन बोला, इसका मतलब अगर मैं सही हूँ तो ये वही समय है जब वो बूढ़ी महिला जागरानी देवी यहाँ आकर इनसे मदद मांगने वाली होगी, मुझे तुरंत जाकर देखना चाहिए कि आखिर हुआ क्या। कहते हुए चेतन पास ही स्थित लावण्या के घर की ओर भागा। जब तक चेतन घर पहुंचा तो घर के बाहर से ही लावण्या के किसी से बहस करने की आवाज सुनाई पड़ गई थी। जैसे ही चेतन घर के करीब पहुंचा तो पाया वो बड़ा आदमी घर के बाहर खड़ा था और उसके दोनों सेवक घर के अंदर थे। चेतन अंदर पहुंचा तो पाया लावण्या उन दोनों से बहस कर रही थी। तभी पहला आदमी बोला, देख लड़की सीधी तरह मान जा, मालिक तेरा इंतजार कर रहे हैं, चुपचाप आज रात के लिए उनके साथ चल। तब लावण्या तुरंत ही उस आदमी पर चिल्लाते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी, मैंने वो काम छोड़ दिया है, तब मजबूरी थी अब नहीं। तभी दूसरा आदमी बोला, सोच ले मालिक तुझे मुंह मांगी रकम देने को तैयार है। इसके जवाब में लावण्या उस पर चिल्लाकर बोली, नहीं चाहिए मुझे एक पैसा भी, कह दो अपने मालिक से मैंने कोई मर्जी से यह काम नहीं चुना था, एक बार की गई गलती मैं दोबारा नहीं दोहराने वाली, चले जाओ यहां से। इतना सुनना था कि तभी घर के बाहर खड़ा वो आदमी अंदर चला आया और लावण्या को हाथ पकड़कर घसीटता हुआ ले जाने की कोशिश करने लगा। ऐसा करते हुए वो जोर से चिल्लाया, एक बार हमारी नजर जिस वस्तु पर पड़ गई वो हमारी हुई, समझी लड़की। जैसे लावण्या की मां ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उन दोनों आदमियों ने उसे पकड़ लिया। दोनों माँ बेटी रोती गिड़गिड़ाती रही। अचानक इसी झूमा झटकी में
लावण्या ने दीवार से वो आईना उतारा और सीधा उस आदमी के सिर पर मारते हुए बोली, धूर्त पुरुष, मैं कोई वस्तु नहीं जिसे जब तू चाहे उठा ले जाए। उस आदमी के सिर से खून बहने लगा। वो अपने माथे पर हाथ रखकर उठ खड़ा हुआ और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, दो कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत जो तुम मुझ पर हमला करे? अब तो तुझे मैंने अपनी हवेली की दासी ना बनाया तो मैं भी इस नगर का सेठ नहीं। कहते हुए उसने एक जोरदार थप्पड़ लावण्या को मारा, जिसके चलते वो दूर जा गिरी। चेतन ये पूरी घटना वहीं खड़ा खड़ा देख रहा था, लेकिन वो पूरी तरह मजबूर था। तभी अचानक उस सेठ ने लावण्या के बालों को पकड़ा और उसे घसीटने की कोशिश करने लगा, लेकिन लावण्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से उसका हाथ मरोड़ने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाया, छोड़, छोड़ मुझे। कहते हुए वो पास खड़े अपने आदमी से बोला, अरे मुंह क्या देख रहे हो, छोड़ो उस बुढ़िया को और मेरा हाथ छुड़ाओ इससे। मालिक का आदेश पाते ही जैसे वो आदमी आगे आया तो लावण्या ने बिना उसकी ओर देखे एक घुमाकर मुक्का मारा तो वो आदमी दूर जा गिरा। तब सभी लोग चौंक गए और आश्चर्य से लावण्या को देखने लगे। तभी अचानक ही एक जोर की आंधी आई, जिसके कारण पूरे घर के खिड़की दरवाजे खड़खड़ाने लगे। तभी अचानक लावण्या उठी, उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और आंखें लाल बल्ब की तरह चमक रही थी। अचानक ही घर के दरवाजे बंद हो गए, पूरे माहौल में रातरानी की खुशबू फैल गई और लावण्या जोर से बदली सी आवाज में हंसने लगी। चेतन भी वो दृश्य देखकर अचानक चौंक गया। एकाएक लावण्या उस आदमी को गर्दन पकड़कर उठाते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुझे क्या चाहिए, आह तेरी मनोकामना भी पूरी किए देती हूँ, वैसे भी सालों से कोई शिकार नहीं किया। कहते हुए वो उस सेठ को उठाकर कमरे में ले गई और दरवाजे बंद हो गए। काफी देर तक उस आदमी के साथ ही दरवाजा पीटते रहे, लेकिन जब दरवाजा खुला तो जो मंजर उनकी आंखों के सामने था वो किसी खौफनाक नजारे से कम नहीं था। सेठ की लाश पलंग पर पड़ी हुई थी, जो पूरी तरह से सफेद हो गई थी, मानो उसके शरीर का बूंद बूंद रक्त निकल गया हो। और लावण्या दरवाजे के पास शांत बैठी हुई उस लाश को देख रही थी। अपने सेठ को मरा देख वो दोनों आदमी घर से बाहर निकले। तभी उनमें से एक आदमी बोला, इस डायन ने हमारे सेठ को मार डाला, अब पूरा नगर यहाँ आएगा, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे डायन। लावण्या की माँ वहां हतप्रभ खड़ी ये सब देख रही थी। तभी लावण्या रोते हुए घबराकर बोली, माँ ये मैंने नहीं किया, मैं नहीं जानती ये कैसे हो गया, अब क्या होगा माँ। तब लावण्या की माँ उसे गले लगाते हुए बोली, हाँ बेटा मैं जानती हूँ तूने कुछ नहीं किया, तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, इससे पहले कि गांव के लोग यहाँ पहुंचे हमें यहाँ से निकलना होगा। चेतन उन दोनों को बात करते हुए सुन रहा था। वो मन ही मन खुद से बात करते हुए बोला, ओह तो इस तरह खूनी वधु ने लावण्या दादी पर कब्जा कर लिया, लेकिन शायद वो पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाई है। पर एक मिनट, अब तक तो दत्ता जी और हर्षवर्धन को यहाँ आ जाना चाहिए था, वो कहाँ है? जैसे ही चेतन ने उन दोनों के बारे में सोचा तो वो उन्हीं के पास पहुंच गया। वो दोनों अपनी बैलगाड़ी तैयार कर वहां से निकलने ही वाले थे। एकाएक अरुणोदय दोनों बैलों को गाड़ी में हांकते हुए हर्षवर्धन से बोला, सब कुछ ठीक से बांध दिया है ना, क्योंकि अब हमें चलना चाहिए, अभी निकलेंगे तो कुछ घंटों में घर पहुंच जाएंगे। तब हर्षवर्धन बोला, हाँ अरुण चलो सब ठीक है। अरुणोदय गाड़ी हांकते हुए आगे बढ़ गया। जैसे ही वो लावण्या के घर के सामने पहुंचा तो वहां एक महिला ने उन दोनों का रास्ता रोकते हुए हांफती हुई आवाज में कहा, भैया हमारी मदद कीजिए, मेरी सहेली और उसकी बेटी तकलीफ में है, उन्हें बचाकर यहाँ से दूर ले जाइए, कुछ लोग मेरी सहेली की बेटी को उठाने आए थे लेकिन अपनी जान बचाते हुए उन्होंने उस आदमी को मार दिया, वो यहाँ का सेठ था, इससे पहले कि गांव वाले उन्हें मार डाले आप इन्हें ले जाइए। कहते हुए तुरंत माँ बेटी को आवाज लगाते हुए कहा, सुकांता जी जी लावण्या जल्दी आओ। कहते हुए उसने उन दोनों को हर्षवर्धन के साथ पीछे गाड़ी में बिठा दिया। जैसे ही चेतन ने उस दूसरी महिला को देखा तो वो चौंकते हुए बोला, ओ ये वही बूढ़ी महिला जागरानी देवी है। अरुणोदय और हर्ष उन दोनों को किस तरह बचा पाएंगे, जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।